आपने ये सीखा कि जी स्टोरी को स्ट्रक्चर कैसे करना है, सिनॉप्सिस की शक्ल क्या होती है, स्टोरी की शक्ल क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोस्टली ये कि फिर आप उसमें से कौन सा एक्शन सिलेक्ट करेंगे फॉर फॉर प्रेजेंटिंग योर होल स्टोरी। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एक सीन से स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि जी एक सीन के अंदर कितनी वैरायटी ऑफ शॉट्स है, वो सीन कैसे कंप्लीट हुआ। जब हम सीन इस वक्त हमने जब बात की स्टोरी एंड स्ट्रक्चर की, तो हम एक सीन से आगे चले गए, क्योंकि हम एक पूरी फिल्म की बात कर रहे थे। हम पूरी फिल्म का मतलब ये है कि मैं आपसे ये नहीं कह रही कि हम 3 घंटे की फिल्म की बात कर रहे थे, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी फिल्म तो रूटीन में 2.5-3 घंटे के लगभग उसकी ड्यूरेशन होती है। जो हॉलीवुड की फिल्म्स हैं या बाकी और कंट्रीज की फिल्म है, वो नॉर्मली राउंड अबाउट आप कह लें कि 90 मिनट्स, 100 मिनट्स, 105 मिनट्स इस ड्यूरेशन पे चल रही होती हैं। तो मैंने आपसे इतनी लंबी किसी फिल्म के लिए स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए नहीं कहा, मैंने आपसे एक नॉर्मल फिल्म का स्टोरी बोर्ड जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे, नॉर्मल फिल्म जिसमें कंप्लीट स्टोरी हो, सिर्फ एक सीन ना हो, क्योंकि एक फिल्म के अंदर आपको बहुत सारा एक्शन, बहुत सारे इवेंट्स डालने होंगे जिसके बाद वो कंप्लीट स्टोरी जो है वो कंप्लीट होगी, राइट। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा कि फॉर योर फाइनल एग्जाम, जब मैंने आपसे कहा कि आप अपनी अपनी अब मुझे स्टोरी लिख के दें, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम देख सकें कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए आप अपनी एक कंप्लीट स्टोरी सोच सकें, और उस कंप्लीट स्टोरी का एक कंप्लीट स्टोरी का एक वो बना सकें, ठीक है, स्टोरी बोर्ड। स्टोरी जी मैं अभी आपका एक फाइनल क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए खोला है, मैं आई वुड वांट कि आप उसको देख लें इस पहले, एंड देन वी डिस्कस सम ऑफ द वर्क जो आप लोगों ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, ताकि हम यहाँ से डेवलप कर सकें टूवर्ड्स योर फाइनल एग्जाम, ठीक है। अच्छा, स्टोरी बोर्डिंग का जो आपका फाइनल एग्जाम यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बहुत सिंपल है, बहुत सीधा सीधा है। जो आप ये देखे होंगे कि इस पे लिखा हुआ है कि आपने दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट्स ए एंड पार्ट बी, राइट। आपने ऑलरेडी पार्ट ए में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि राइट राइट और अडेप्ट अ स्टोरी, ठीक है। आई थिंक राइटिंग वाला पार्ट तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि राइटिंग स्टोरी का क्या मतलब है, क्योंकि आपने स्टोरी भी लिख ली और स्ट्रक्चर भी उसका डिवेलप कर लिया आपने सामने, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीजें किस किस ऑर्डर में आप दिखा रहे हैं। डज एवरीवन अंडरस्टैंड कि अडेप्ट अडेप्ट का क्या मतलब है, या अडेप्टेशन का क्या मतलब है, व्हाट अडेप्टिंग अ स्टोरी मीन। आर यू क्लियर कि अडेप्टेशन किसे कहते हैं। नो ऑल राइट, अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि किसी और ने कहानी लिखी दी है और उस कहानी को आप अडेप्ट कर रहे हैं। आपसे मैं शेयर कर रही हूँ जस्ट नाउ, ये रही, ये आप देख रही होंगी कि यहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ है। स्टोरी का नाम क्या है, किसी को समझ में आया। टू टोटो, राइट, टोटो या टू 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 व्हाटएवर, जी ठीक है, टोटो भी या टू टू भी, डिपेंड्स के कौन है। ये आपके सामने एक स्टोरी लिखी हुई है, ये स्टोरी है मंटो की। मंटो के नाम से फेमिलियर है। यस मैम बिल्कुल, यस यस मैम मैम, ऑल राइट। तो जब ये मंटो की यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है, जिस पे उसने लिखा हुआ है कि दुनिया की पहली माँ का रद्द अमल क्या था, और उसके बाद यहाँ से उसने फौरन स्टार्ट कर दिया कि जो मदर है, प्रॉबली शी इज ऑल्सो फीलिंग लाइक अ क्रिएटर, मैं भी खालिक हूँ। फिर उसने फौरन ही स्टार्ट कर दिया कि टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हो गई और ख्यालात का सिलसिला टूट गया, बैल्कनी से अंदर आया, फोन उठाया और फोन पे उसने हेलो लो कहा, और फिर उसने कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। मेम साहब है ठहरो, टेलीफोन का रिसीवर एक तरफ रख के
अपनी बीवी को गालबन अंदर सो रही थी, आवाज दी मेम साहब मेम साहब। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मंटो जो है वो अपनी स्टोरी लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले और डायलॉग में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे मंटो जो है वो स्क्रीन प्ले स्टाइल में लिख रहा है क्योंकि वो ये बता रहा है कि मेम साहब जो हैं वो उठी जमाइया लेती है आई और साथ में ये उनका डायलॉग लिखा हुआ, ये क्या मजाक है मेम साहब तो ये लिख रहा है कि मैंने मुस्कुरा कर कहा मेम साहब ठीक है याद है तुमने अपनी पहली आया से कहा था कि मुझे मेम साहब के बदले बेगम साहिबा कहा करो, तो इसने बेगम साहिबा को बैंगन साहिबा बना दिया था। राइट, कहने का मतलब ये था कि आपको मैंने स्टोरी बोर्डिंग के दौरान कुछ और थोड़ी सी रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज बताई, जो रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी स्क्रीन प्ले है, स्क्रिप्ट अलग चीज होती है, स्टोरी अलग चीज होती है, राइट, स्क्रिप्ट और चीज होती है, और स्क्रीन प्ले जो है वो एक और चीज है, और डायलॉग्स आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि डायलॉग्स क्या होते हैं। स्क्रीन प्ले में आप एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ये एक्शन है क्या। फॉर इंस्टेंस जब उसने कहा कि ख्यालात का सिलसिला टूट गया, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे स्क्रीन प्ले में ये लिखेंगे कि जो भी यहाँ पे मेन कैरेक्टर था उसका आपको नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे स्टोरी में उसने अभी तक नाम नहीं बताया है। मंटो की स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड कि वैसे भी पिछली सदी की कहानी है और पिछली सदी से अब तक कुछ जगहों पे चीजें डेवलप हो गई होंगी, चेंज हो गई होंगी, राइटिंग स्टाइल में चेंजेस आ गई होंगी। यहाँ पे वो जैसे जैसे आगे बात चल रही है तो वो कह रहा है कि ताहिरा, आपको दो लोगों का नाम सुनाई दे रहा है, एक ताहिरा और एक मिसेस यजदानी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास एटलीस्ट दो लोगों का, दो कैरेक्टर्स का नाम स्टार्ट आपके सामने आ गया कि मंटो और उसकी बीवी या जो भी है वो किसी और दो लोगों के बारे में बात करें जिनका नाम ताहिरा और मिस्टर यजदानी है। ठीक है, ताहिरा और यजदानी मियाँ बीवी है। तो आप लोगों के जो मैं डिफरेंट स्टोरी बोर्ड्स मैंने देखे हैं वो मैंने देखा कि आप लोग स्टोरी बोर्ड में कैरेक्टर्स का नाम नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हैं गर्ल, आप लिख रहे हैं बॉय, और आप लिख रहे हैं इस किस्म के, ज्यादा से ज्यादा उनका जेंडर पता चल रहा है, कैरेक्टर का नाम नहीं पता चल रहा। तो मैं बेसिकली ये चाह रही थी कि आप इस मामले में जितनी भी रेलिवेंट चीजें हैं यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस, सटल डिफरेंसेस फॉर योर फाइनल एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी बोर्ड जो है उसमें आपके कैरेक्टर्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, स्क्रीन प्ले में आप कैरेक्टर्स को की का एक्शन डिटेल में बता रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर कैरेक्टर ने फोन साइड पे लिखा, कैरेक्टर जो है वो बेड पे सो रहा है, उसने लिखा कि मेरी बीवी सो रही थी। ठीक है, तो आप स्क्रीन प्ले में सीधा सीधा लिखेंगे कि एक कैरेक्टर जो है वो बिस्तर पे सो रहा है, और यानी मंटो की बीवी जो है वो बिस्तर पे सो रही है, मंटो या हुएवर इज द कैरेक्टर हियर, क्योंकि उसने बगैर नाम बताए शुरू कर दिया है, तो इस वजह से मैं मंटो और मंटो की बीवी जो है दो नाम इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप एग्जैक्टली बताते हैं कि एक्शन है क्या। उसने रिसीवर साइड पे रखा, एक कैरेक्टर बिस्तर पे सो रहा है, दूसरा कैरेक्टर उसके पास खड़े हुए उसको आवाजें दे रहा है, मेम साहब डायलॉग है, और फिर बीवी उठ जाती है, जिसका मतलब है कि आप उसकी बीवी को बिस्तर से उठने का आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि शी इज गेटिंग अप, जमाइयां ले रही है, और साथ में वो उसका डायलॉग सुनाई देता है, ये क्या मजाक है। तो ये जो दो तीन लाइनें आपके सामने यहाँ पे मैंने इनको हाईलाइट किया, ये जो दो लाइनें आपके सामने लिखी हुई हैं, इन दो लाइनों के अंदर आपको स्क्रीन प्ले और डायलॉग नजर आ रहा है, राइट। चूंकि ये एक्चुअली स्क्रीन प्ले जो है ये असल में स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि स्टोरी के अंदर आपको स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, राइट। असल में तो ये स्टोरी है, लेकिन स्टोरी के कुछ पार्ट्स उसमें इस तरीके से लिखे हुए यू कैन सी के वो आपको स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो है उसके अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली दूसरी अहम चीज जो मैंने आपसे कहा कि स्टोरी बोर्ड के केस में आपको कैरेक्टर्स का नाम पता होना चाहिए, आपको फेमिलियर होना चाहिए कि आपकी जो स्टोरी है उसका स्क्रीन प्ले क्या है,
क्योंकि जो आप लोगों के मैं स्टोरी और स्ट्रक्चर वगैरह देख रही थी वो उसमें कुछ चीज़ों में खासी एम्बिगुइटी थी। मैंने पिछले क्लास में भी उस एम्बिगुइटी को डिफाइन किया था, क्योंकि अगर वो चीज़ एम्बिगुअस होगी तो फिर आपको ये नहीं पता चलता कि आप एक ही वक्त में सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉट की या सीन की बात कर रहे हैं या आप बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि पिछली क्लास में जो हमने कुछ एक दो लोगों का मिड डिस्कस किया था, उन्होंने उन चीज़ों को समझा। आज भी आई विल ट्राई कि आप में से कुछ लोगों की असाइनमेंट्स खोल के उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे आपकी ही किसी क्लास फेलो का है ये काम, आई थिंक शर्जील का है ये काम, जिसका टाइटल उसने रखा हादसा, तो यू मस्ट नो कि एक तो आपको टाइटल जो है आपको स्टोरी बोर्ड के लिए भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कहानी का नाम हादसा है। उसके बाद उसने कहा अहद और आशिर जुड़वा भाई हैं और इकट्ठे काम करते हैं। तो अब ये स्टोरी है, इस स्टोरी में जुड़वा भाई जो है वो आप कैसे दिखाएंगे और उनकी रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे? हो सकता है आपको एक सीन इसके लिए चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि अक्सर काम इकट्ठे करते हैं, तो क्या आप उसको किसी जगह पे इकट्ठा काम करते दिखाएंगे, ठीक है। और फिर आपने कहा कि वो दोनों सोच रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, मिसाल के तौर पे इकट्ठा काम करते आप उनको किचन में दिखा रहे हैं कि वो हर काम इकट्ठा करते हैं, या घर के लॉन में दिखा रहे हैं कि दोनों भाई इकट्ठा काम करते हैं, या दोनों भाई अगर डिपेंडिंग क्या उनकी एज कितनी है, अगर वो इकट्ठा बैठ के पढ़ रहे हैं, इकट्ठा बैठ के लॉन में काम कर रहे हैं, इकट्ठा बैठ के किचन में खाना बना रहे हैं या अपनी वॉशिंग कर रहे हैं या जो या दोस्तों से मिलने इकट्ठा जा रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एवरी टाइम आई से कि किचन में है या बाग में है या खाने की टेबल पे है, तो ये सारे अलग अलग सीन है। डू यू एग्री कि जैसे ही मैं ये बातें कर रही हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सीन्स? आप लोग एग्री? ठीक है, तो ये जो कहानी है, कहानी इस वक्त ये नहीं बता रही के यहाँ के पहले सेंटेंस में भी आपने जो पढ़ा, तो वी आर प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ सीन्स, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कहानी का फर्स्ट जो सेंटेंस है वो नंबर ऑफ सीन्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सीन्स जो हैं उनके लिए आपको स्टोरी बोर्ड्स में कम अज कम एक एक फ्रेम डालना पड़ेगा, या बास जगहों पे आपको एक से ज्यादा फ्रेम डालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप दिखा रहे हैं कि वो बाग में कोई काम कर रहे हैं, तो आप उसको खुरपे से उन दोनों को इकट्ठा एक मास्टर शॉट में डाल देंगे, और उसके बाद उसको शायद एक को गमले में पौधा लगाते दिखा देंगे या पौधे का क्लोज शॉट दिखा देंगे। तो इसका मतलब है कि स्टोरी बोर्ड में आपका नंबर ऑफ शॉट्स इंक्रीज हो जाएगा। सो ये तमाम चीजें तो एक चीजें हैं। यहाँ से हमने, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के पास अपनी पर्सनल स्टोरीज एंड स्टोरी बोर्ड्स मौजूद हैं, तो जब आप इस कहानी से इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, और उन्होंने लिखा कि देखें, हमने जो पहली लाइन पढ़ी थी उसको इसने जब स्ट्रक्चर में डिवेलप किया शर्जील ने, तो उसने लिखा कि इन्होंने इकट्ठे नौकरी करने का सोचा और इनको सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी मिल गई, दोनों बहुत खुश थे। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको एक एक सीन नजर आ रहे हैं या दो सीन नजर आ रहे हैं जहाँ पे उसने सीन वन लिखा? मैम टू है आई थिंक। अच्छा, तो आप बताइएगा कि अगर वो टू हैं तो आपके ख्याल में पहले सीन में क्या है और दूसरे सीन में क्या है? कोशिश करें मैम, मे भी ऐसा हो सकता है ना कि नौकरी करने का उन्होंने सोचा था, तो तब मे भी उन्होंने कहीं वो सोच रहे हो या बात कर रहे हो कि यहाँ करते हैं, और फिर उनको कोई लेटर आया जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि नौकरी मिल गई है, तो ये अलग सीन होगा। ओके, राइट। सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि ये अलग सीन किस पॉइंट पे होगा?
क्योंकि जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया उसका मतलब ये है कि ये एक सीन भी हो सकता है और ये दो सीन्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आपसे जो एक चीज मैं आप लोगों की फर्दर ऐड करना चाहूंगी वो ये थी कि जब मैंने आपसे कहा कि आप उसका स्ट्रक्चर डेवलप करें, राइट, और स्ट्रक्चर से हमने स्टोरी बोर्ड की तरफ जाना है, तो इसमें आई वुड सजेस्ट के मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कोई स्क्रिप्ट दिखा सकूँ। मैंने आपको जो हमने सबसे पहली क्लास कंडक्ट की थी उसमें आपसे मैंने एक स्क्रिप्ट शायद शेयर भी किया था, राइट, उसमें मैंने आपको जो पहला स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट शेयर किया था और उसमें मैंने मेंशन किया था कि आप स्क्रिप्ट से स्टोरी बोर्ड की तरफ कैसे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लेट मी फाइंड इट अगेन। ऑल राइट, तो अब आपसे बिफोर के वी गेट टू एब्जॉर्ब्ड इन इट, आपसे वो जो मैंने अडेप्टेशन वाली बात की थी वो सिर्फ इतनी थी कि कुछ स्टोरीज जो आप खुद लिखते हैं वो आपकी पर्सनल स्टोरीज हैं। अब अगर आप मंटो की स्टोरी को लेके इसको आप अडेप्ट कर सकते हैं कि जी मैं मंटो ने स्टोरी लिखी थी, इसको मैं यूज करके अब मैं नया नई नया नए स्टाइल में आपने स्टोरी को लिखा, और या कोई फिल्म जो ऑलरेडी बनी हुई है आपने उसकी एक और वर्जन बना दिया, तो अडेप्टेशन में आप ये कह रहे हैं कि मैं मेरी मेरी फिल्म इस स्टोरी से इंस्पायर्ड है, इट्स एन इट इज एन अडेप्टेशन ऑफ मंटोज या इंस्पायर्ड बाय मंटो की जो स्टोरी है टोटो वगैरह, तो फिर आप इसको जब नए सिरे से लिखेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने अपना स्क्रिप्ट नहीं लिखा या मैंने किसी से लिखवाया नहीं है, आई डू नॉट हैव माई ओन स्क्रिप्ट राइटर, क्योंकि फिल्म मेकिंग तो है ही ना, ग्रुप टीम वर्क है, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक एक कैमरे पे चला जाता है, एक एडिटिंग पे चला जाता है, एक स्टोरी बोर्डिंग पे चला जाता है, एक डायरेक्टिंग शुरू कर देता है, एक प्रोड्यूसिंग शुरू कर देता है, तो बहुत सारे लोगों में काम डिवाइड हो जाता है। तो इसमें आप आसानी से ये कह सकते हैं कि जी मैं अडेप्टेशन बनाना चाहती हूँ या मैं अडेप्टेशन बनाना चाहता हूँ और मेरा स्टोरी बोर्ड अडेप्टेशन पे बेस्ड है। सो बेसिकली आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें मैंने आपको ये अलाउ कर दिया कि आप लोग जो हैं वो इसको यू नो कि आप फाइनल एग्जाम में अपनी स्टोरी भी लिख सकते हैं या स्टोरी अडेप्ट भी कर सकते हैं कि किसी और की स्टोरी ली और उस स्टोरी को मंटो की ले ली, हसरत मोहानी की ले ली, इवन जो मिसाल के तौर पे असगर नदीम सैयद की ले ली और एनी अदर जो आपको लगता है कि आजकल बड़े अच्छे मेल या फीमेल राइटर्स हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज लिख रहे हैं या नॉवेल्स जो आपने पढ़े हुए हैं, आप अपने पढ़े हुए नॉवल में से एक स्टोरी अडेप्ट करके स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं फॉर योर फाइनल। ठीक है, और उसमें आपसे मैंने कहा कि जब आप फाइनल एग्जाम सबमिट करा रहे होंगे तो आप उसमें मुझे स्टोरी भी देंगे, अपने जो स्टोरी बोर्ड आप सबमिट करेंगे उसके साथ स्टोरी और स्ट्रक्चर को अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मिड टर्म सबमिट करते हुए आप में से पांच लोगों ने मुझे 8-8, 10-10 ईमेल्स भेजी हैं। प्लीज जब आप 8-10 ईमेल्स भेजेंगे तो मुझे ये पता नहीं है कि आप में से आपकी उनमें से कौन सी ईमेल जो है आप चाहते हैं कि मैं फाइनल के तौर पे चेक कर लूँ। तो अगर मैं 10 की 10 फाइल्स भी डाउनलोड कर लूंगी, जो कि इन सर्टन केसेस मैंने डाउनलोड कर ली, राइट, तो आप यू शुड नो कि मैं उनमें से 10 में से चेक तो सिर्फ एक ही करूंगी ना आपका एग्जाम ग्रेड करते वक्त। तो बेसिकली आप मुझे उस वक्त तक अपना फाइनल एग्जाम ना पोस्ट करिएगा जब तक आपको नो कि अब नाउ दिस इज माय फाइनल फाइल, अब ये मैं मैडम को भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे सिर्फ एक फाइल भेजें ताकि मैं कंफ्यूजन की वजह से आपकी गलत फाइल पे आपकी ग्रेडिंग ना कर दूं, एक तो मैंने आपसे ये कहना था। मैम वो ना असल में कुछ लोगों का इंटरनेट का मसला आ रहा था तो उन्होंने मुझे और जीआर को भेजी थी कि हम आपको मेल कर दें, तो इस वजह से वो ज्यादा असाइनमेंट जाएंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों का एग्जाम आपने मुझे ईमेल कर दिया,
कोशिश ये करें कि अभी तो 3 हफ्ते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप में से एक दो लोगों ने तो ऑलरेडी जो स्टोरी और स्ट्रक्चर था उसको स्टोरी बोर्ड में डेवलप करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट किसी के मिड टर्म में मुझे स्टोरी बोर्ड भी नजर आ रहा था ऑफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, राइट। तो आई थिंक कि जिन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया वो अपने स्टोरी बोर्ड को रिफाइन कर सकते हैं। वो आई थिंक मैं उनसे ये भी सजेस्ट करूंगी कि वो मुझसे एक मीटिंग करके अपने स्टोरी बोर्ड के जो इवेंट्स हैं या जो स्टोरी बोर्ड की क्वालिटी है, आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपसे जूम मीटिंग ही कर लूंगी 1-to-1 टू डिस्कस योर वर्क, ठीक है। तो उसको आई वुड सजेस्ट कि जो लोग ऑलरेडी काम खत्म कर चुके हैं वो उसको रिफाइन कर लें, ठीक है। और जिन लोगों ने कहा कि उनको अच्छी ड्राइंग नहीं आती, दे आर स्टिल ट्राइंग टू लर्न, कि मैंने उनको सिंप्लीफाइड ड्राइंग्स और सिंप्लीफाइड दिखाई थी काफी सारी चीजें, तो वो फिर सिंप्लीफाइड तरीके से स्टोरी बोर्ड को ड्रॉ कर लें। या फिर मैंने आपसे कहा कि आप कॉम्पोजिशन बनाएं, कैरेक्टर्स को बिठाएं, आपके घर में भी मेल फीमेल्स हैं, आपके घर में भी बच्चे भी होंगे, तो आप थोड़ी सी एक सिचुएशन क्रिएट कर लें और उनसे कह दें कि जी आप जरा मेरे मेरे लिए बैठ जाएं, मैंने अपने सेलफोन से ही फॉर इंस्टेंस एक तस्वीर लेनी है, एक फ्रेम बनाना है, तो वो पिक्चर्स जो हैं वो ग्रैब करके अपना स्टोरी बोर्ड जो है वो कंप्लीट कर लें। आप में से कुछ लोगों ने तो शायद, एक आध स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने कहा कि जी मैंने तो जो स्टोरी थी उसके ऊपर सीधा सीधा एक वीडियो ही शूट कर लिया और वहां से स्टोरी बोर्ड निकाल लिया। एक दो लोगों ने ये कहा कि जी इससे तो ऑब्जेक्टिव ही फेल हो गया कि फिल्मिंग से पहले हमने स्टोरी बोर्ड बनाना है। तो वो आई एग्री कि वो ऑब्जेक्टिव जो है उस पे इम्पैक्ट आया, लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि एक लर्निंग के हवाले से अगर स्टूडेंट ने फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस कर लिया तो उसने कुछ तो सीखा, उसने एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर ली। क्योंकि मैंने जो आपको बिलाल हनीफ कुरैशी का मैंने आपको लास्ट टाइम उसके थीसिस फिल्म और थीसिस फिल्म में मौजूद स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड दिखाया था, तो आई एम पॉजिटिव कि जो बिलाल का स्टोरी बोर्ड था वो एक्चुअली उसने थीसिस सबमिशन की जो रिक्वायरमेंट थी, थीसिस के साथ प्रोडक्शन फाइल की जो रिक्वायरमेंट थी, और प्रोडक्शन फाइल में चूंकि स्टोरी बोर्ड मेंशन था तो बिलाल ने एक्चुअली अपने थीसिस सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स करने पूरी करने के लिए उसने स्टोरी बोर्ड जो है वो अपने थीसिस फिल्म में से निकाल लिया था, राइट। बनी बनाई से मिला निकाल लिया था, जिससे वो ऑब्जेक्टिव आई वुड एग्री कि एक काम का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो उसने मीट नहीं किया था, लेकिन बहरहाल जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि उसके थीसिस में उसकी प्रोडक्शन फाइल में ये तमाम चीजें मौजूद हों तो वो उसमें उसने डाल दिया था। मैम एक क्वेश्चन है जी, बताइए। मैम, जो हमने मिड्स के लिए आपको एक स्टोरी और उसका स्ट्रक्चर बनाकर सेंड किया है, तो जी आप चाह रही हैं कि वही वाला स्टोरी और स्ट्रक्चर हम फाइनल में भी उठा के लिखें और उसका उसका स्टोरी बोर्ड बनाएं, या कोई नई स्टोरी और स्ट्रक्चर लिखें और फिर उसका स्टोरी बोर्ड बनाएं? नहीं, आपसे वो मैंने स्टोरीज इसीलिए लिखवाई ताकि आप आप स्टोरी बोर्ड उसको यूज करके बना सकें, राइट। ओके मैंने मैम, आपसे वो आपसे जो स्टोरीज लिखवाई उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप उस अपनी स्टोरी में से एक स्ट्रक्चर निकालें और उस स्ट्रक्चर के ऊपर स्टोरी बोर्ड बनाएं। ये तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में भी कहा था कि आप का जो है क्या कहते हैं, आपका जो फाइनल एग्जाम है, हम वी आर वर्किंग टूवर्ड्स योर फाइनल एग्जाम, कि आप अपनी स्टोरी में से सीन सिलेक्ट करें आप अपनी। इसीलिए तो आपके स्टोरी और स्ट्रक्चर की एक एक्सरसाइज मैंने करवाई ताकि आप अपनी स्टोरी के ऊपर स्टोरी बोर्ड डेवलप कर सकें फॉर योर फाइनल एग्जाम। आपको इस वक्त जो मैं क्वेश्चन पेपर में आपको जो फ्रीडम नजर आ रही है वो सिर्फ इतनी है कि देखें वो असाइनमेंट डेफिनेटली है, आप स्टोरी आप अपना अपना जो स्टोरी बोर्ड है वो आप अपनी लिखी स्टोरी और स्ट्रक्चर से ही आप उसको स्टोरी बोर्ड में चेंज कर लें। आपको जो क्वेश्चन पेपर जो है वो उसके अलावा आपको एक इजाजत दे रहा है, क्वेश्चन पेपर आपको ये इजाजत भी दे रहा है कि आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए कोई स्टोरी अडेप्ट भी कर सकते हैं। आपने लिखा है ना, ये कह रहा है कि राइट और अडेप्ट स्टोरी,
तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने आपको फाइनल एग्जाम के लिए एक थोड़ी सी फ्रीडम दे दी है कि यू कैन ऑल्सो अडेप्ट अ स्टोरी, और यू कैन जो स्टोरी आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं उसको आप रिफाइन कर लें। जब आप लोगों में से जो, जैसे मैंने अभी फॉर इंस्टेंस शहरयार की ये स्टोरी आपसे दिखाई, तो मैंने आपसे कहा कि ये दो सीन्स भी हो सकते हैं और एक सीन भी हो सकता है। इस सीन में जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही वो लोकेशन नहीं समझ आ रही। अब ये जो मैंने आपके सामने एक स्क्रिप्ट खोला था इसके ऊपर हम दोबारा जाते हैं। आप ये देखें कि इस स्क्रिप्ट में सबसे ऊपर लिखा है सीन वन, उसके आगे लिखा है वकास के घर का लाउंज, और उसके आगे लिखा है इंटीरियर / रात का वक्त। सो आप देख रही हैं कि ये एक्चुअली स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखे हुए हैं, ये स्टोरी नहीं लिखी हुई। आप लोगों ने जो चीज मुझे सबमिट की थी वो स्टोरी थी, वो स्टोरी और स्ट्रक्चर था, राइट? मैंने आपसे पहले भी कहा कि स्टोरी में स्टोरी और चीज होती है, स्ट्रक्चर और चीज होता है, स्क्रिप्ट कुछ और चीज होती है, स्क्रीन प्ले कुछ और चीज होती है, डायलॉग्स कुछ और होते हैं। तो ये फाइनल जो है आप ये कह सकती हैं कि ये उसका एक किस्म का प्रोडक्शन स्क्रिप्ट है, जो कि जिसको हम कहते हैं कि स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखे हुए, स्क्रीन राइटिंग, क्योंकि आप यू आर राइटिंग फॉर टीवी, और टीवी फिल्म के लिए लिखेंगे तो स्क्रीन राइटिंग कहेंगे। जब आप कहते हैं कि जी मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ तो पता नहीं चलता कि हो सकता है आप थिएटर के राइटर हों। आपको पता है ना कि लाहौर में अलहमरा थिएटर मौजूद है, कुछ और थिएटर्स भी मौजूद हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट सड़क के दूसरी तरफ ओलो मपोलो एक थिएटर है छोटा सा, आपने सुना हुआ उसका नाम? जी बिल्कुल मैम, यस मैम। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने थिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखा हो, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं स्क्रीन प्ले, स्क्रीन राइटर लिखता है टीवी और फिल्म के लिए। टीवी और फिल्म के लिए द बेस्ट वर्ड इज स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर बेस्ट वर्ड नहीं है। पाकिस्तान में हम स्क्रिप्ट राइटर ही कहते हैं, लेकिन स्क्रीन राइटर राइट्स फॉर टीवी एंड फिल्म। तो अब आप ये देखें कि इस स्क्रिप्ट में सबसे ऊपर आपको सीन नंबर भी नजर आ रहा है, लोकेशन की भी नजर आ रही है, सीन वन घर का लाउंज, और उसके बाद लिखा हुआ है इंटीरियर, यानी घर के अंदर बैठे में बाहर नहीं है, और साथ में लिखा हुआ है / डे और नाइट। तो आपने सीन के बारे में, किरदार उसने साथ में लिखा हुआ है शहरी और उसके दोस्त, आप किरदार अगर लिख दिया चलो और फर्दर सिंप्लीफाई हो गया, वरना अगर आप ना भी लिखते तब भी ठीक था, ठीक है। उसके नीचे उसने स्क्रीन प्ले दिया हुआ है, कमरा जिसमें अफरा तफरी है, कमरे में मौजूद अशिया से पता चल रहा है कि वहां अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। दो लड़के मेज पर ताश खेल रहे हैं, ताश के पत्तों के साथ रकम लगी हुई है, इन अदर वर्ड्स जुआ खेल रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि ग्लास भी रखे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि जुआ खेलते हैं बल्कि कुछ और काम भी करते हैं। उसके बाद वो पैसे फेंकता है और शो मांगता है, इजाज पत्ते दिखाता है, शहरी जीत जाता है और शहरी रकम इकट्ठा करता है। तो आप ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, वो क्लियरली बता रहा है कि इस पर्टिकुलर सीन में क्या होने वाला है, ठीक है। अगर अगर हमने इस सीन की डिस्क्रिप्शन पढ़ें और फिर हम वापस जाएं, वो डिस्क्रिप्शन जो शर्जील ने लिखी थी, यू शुड नो कि एक तो मैं आपको थीसिस का दिखा रही हूँ, तो वो काफी एडवांस्ड वर्क है, ठीक है। आपका तो अभी बिगिन कर रहा है ना, यू आर स्टार्टिंग इट जस्ट नाउ। तो यहाँ पे जब उसने लिखा कि दो दोस्त, एक ने नौकरी का सोचा और सॉफ्टवेयर हाउस में उसको नौकरी मिल गई, दोनों खुश हैं, तो ये खुशी का सीन जो है वो सोचना तो पास्ट एक्टिविटी है। तो आप यहाँ पे सीन में शायद ये घर के टीवी लाउंज में बैठे हैं, ठीक है, या ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, या ये किसी यूनिवर्सिटी के लॉन में या पार्किंग में खड़े हैं, राइट? तो यू वुड नो कि इस वक्त ये जो इन्होंने यहाँ पे सीन या एक्शन मेंशन किया, उस एक्शन में पता नहीं चल रहा कि लोकेशन क्या है, उस एक्शन में पता नहीं चल रहा कि दिन का या रात का वक्त है, राइट? उस सेक्शन में ये नहीं पता चल रहा कि लोकेशन इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। और फिर जो ये सेंटेंस है उसमें सोचना पास्ट की एक्टिविटी है, राइट? और नौकरी मिल गई का मतलब है कि सोचने से मिलने तक दो अलग अलग वक्तों की बात हो रही है, तो इस हिसाब से तो गालबन
या एक या दो सीन्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको टीवी लाउंज में दिखा रहे हैं तो ये दोनों, या फिर बाहर भी दिखा रहे हैं, गली में भी दिखा रहे हैं कि दोनों जो हैं, दोनों दोस्त शायद नेबर्स हैं, तो वो अपने घर के बाहर मिलते हैं और वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हम तो इकट्ठा नौकरी करना चाहते थे और शुक्र है कि हम दोनों को एक ही सॉफ्टवेयर हाउस में इकट्ठा नौकरी मिल गई, राइट। स्टोरी बोर्ड में चूंकि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इन दोनों दोस्तों का क्लोजअप दिखा रहे हैं या लॉन्ग शॉट दिखा रहे हैं, राइट, तो इसलिए आपको ये क्लैरिटी जरूरी है कि इन दोनों दोस्तों का जो क्लोजअप या लॉन्ग शॉट आप स्टोरी बोर्ड में डालेंगे वो उसकी लोकेशन क्या है, वो उसका टाइम क्या है, मतलब डे है, दिन है, रात है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, तो ये चीजें जो हैं ये पता होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सीन वन है वो हमें शर्जील का जो सीन वन है वो हमें बिल्कुल नहीं बता रहा कि ये दोनों दोस्त अपने घर के बाहर गली में खड़े होकर बात कर रहे हैं या एक्चुअली सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर साइड बाय साइड इनकी दो टेबल्स हैं, ये वहां पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे को सुबह सुबह एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि हम दोनों को आखिर यहाँ पे इकट्ठा नौकरी मिल गई, ठीक है। तो मैं आपसे ये कही थी कि आप इसको एक सीन में भी डाल सकते हैं, दो में भी डाल सकते हैं, सोचा और मिल गई, ये पास्ट और प्रेजेंट जो है ये आप इसको डायलॉग के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका सीन जो है उसकी लोकेशन सॉफ्टवेयर हाउस है या उसकी लोकेशन गली में खड़े होकर दोनों दोस्त बात कर रहे हैं या दोनों दोस्त जो हैं, ठीक है, कि वो दोनों दोस्त जो हैं वो कहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको ये नजर आ रहा है पेज जो मैंने शर्जील का खोला हुआ आपके सामने? यस मैम। ऑलराइट, यस मैम। ऑलराइट, मैं आपको जरा उस स्क्रिप्ट पे एक दफा फिर वापस ले जाती हूँ और ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था कि ये स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, स्क्रीन प्ले सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सीन वन, लोकेशन, इंटीरियर और उसके आगे टाइम, ठीक है, इंटीरियर नाइट, और उसके बाद उसने ये डिटेल में बता दिया कि इसमें ये लड़के यहाँ पे बैठे हुए थे और आप ये देख रही हैं कि ये डायलॉग जो है वो सेंटर ऑफ द पेज लिखे हुए हैं। डायलॉग जो स्क्रीन प्ले था वो राइट से स्टार्ट हो रहा था, फुल पेज पे राइट, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ था या राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ था, लेकिन जो डायलॉग्स हैं वो फुल पेज पे नहीं लिखे हुए, वो मिडल ऑफ द पेज लिखे हुए हैं। यू कैन सी कि डायलॉग्स में ये कुछ एक डेढ़ इंच जगह, डेढ़ दो इंच जगह राइट साइड पे भी छोड़ी हुई है और उतनी ही जगह लेफ्ट साइड पे भी छोड़ी हुई है, राइट तो और ये डायलॉग जो है, तो आपको ये बात समझ में आई है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि डायलॉग्स पेज के सेंटर में लिखे हुए हैं और स्क्रीन प्ले जो है वो पेज में पूरी जगह पे लिखा हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो डायलॉग है वो सिर्फ सेंटर के अंदर है। आपको ये फर्क नजर आ रहा है जब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस तरीके से उसने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स, जब आप इस तरह के किसी कागज का प्रिंट आउट देखेंगे तो आपको फौरन नजर आ जाएगा कि डायलॉग कौन सा है। अगर आप डायलॉग और स्क्रीन प्ले की फॉर्मेटिंग में फर्क नहीं लाएंगे तो जो जिसको भी आप स्क्रिप्ट की कॉपी देंगे कि यार अपने डायलॉग्स पढ़ लो, तो उसको बड़ी मुश्किल पेश आएगी क्योंकि उसको अपने डायलॉग्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप पूरा स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स राइट टू लेफ्ट एक ही जैसा लिख देंगे तो डायलॉग्स ढूंढने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे आप डायलॉग फौरन देख लेंगे कि डायलॉग तो मिडल ऑफ द पेज लिखे हुए हैं, तो डायलॉग और स्क्रीन प्ले आपको अलग अलग नजर आ रहा है, राइट। तो एक चीज आपसे मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी और दूसरी चीज जो आप लोगों की अपनी असाइनमेंट्स के हवाले से है, वो मैं दो असाइनमेंट्स मैंने आपके सामने, एक ये खोली थी शर्जील की जिसमें जो स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर तो उसने शायद ठीक ही लिखा है क्योंकि रोजमर्रा की तरह दोनों भाई नौकरी पर जा रहे हैं, तो ये तो अगर देखें ना कि अगर ये पहला शॉट भी अगर सॉफ्टवेयर हाउस में था तो सीन नंबर टू की जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन अगर पहला शॉट उनके घर के बाहर गली में था,
कि वो खुश हैं और उन्होंने अपने अपने लेटर्स पकड़े हुए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स या ऑफर लेटर्स, तो फिर आपके ये दो सीन्स डेफिनेटली दे मेक सेंस. कि पहले सीन में वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तो आप स्टोरी बोर्ड में एक फ्रेम डाल देंगे कि गली में बाहर खड़े होके वो दोनों लड़के एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और खुश हैं, और दूसरे में आप दिखा देंगे कि वो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बैठे हुए हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है रोजमर्रा की तरह. अब रोजमर्रा जो है इसका इसका विजुअल कैसे निकालेंगे? आपसे मैंने एक चीज और कही थी कि फिल्म के अंदर या टेलीविजन के अंदर आपको चीजों को विजुअली सोचना पड़ता है. आपने उसको टेक्स्ट की जबान में नहीं सोचना, आपने उसको विजुअल की जबान में सोचना है. तो जब आप कह रहे हैं कि रोजमर्रा की तरह दोनों भाई नौकरी पर जा रहे हैं, तो रोजमर्रा लिखे बगैर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों अगर भाई हैं तो एक ही घर से निकलेंगे. उसने पीछे लिखा हुआ था दोस्त, यहाँ लिखा है भाई. तो अगर भाई हैं तो ये आपको यहाँ इकट्ठा घर से इकट्ठा निकलते नजर आ जाएंगे, गाड़ी में इकट्ठा बैठ के जा रहे हैं. आप सीधा सीधा ये लिखेंगे कि सुबह का वक्त दोनों दोस्त, दोनों मतलब यहाँ पे दोस्त के बजाय आई वुड से कि दोनों के नाम लिखते हैं. फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे लिख दें कि शर्जील और वकार सुबह के वक्त शर्जील और वकार घर की पार्किंग में गाड़ी में ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं, ठीक है. या फिर बाइक पर अगर जा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे लिख दें कि घर के बाहर बाइक पर बैठ रहे हैं और एक का नाम सॉरी उसमें लिखा है कि अहद है. आई वुड सजेस्ट कि आप अगर नाम आपने डिसाइड कर लिए हैं तो आप उनके नामों को इस्तेमाल करें स्टोरी बोर्ड के अंदर. मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप में से काफी लोग ये अहद और आशिर लिखा हुआ है, जुड़वा भाई, ठीक है. जब अहद और आशिर जुड़वा भाई है तो कन्फ्यूजन उस वक्त आएगी. ये इसने शर्जील ने अच्छा किया था, ये देखें उसने डायलॉग मिडल ऑफ द पेज लिखा, ठीक है. और स्क्रीन प्ले जो है वो मैंने आपसे कहा था नॉर्मली स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स में आप ये डिविजन सोच रहे होते हैं. सो आपने केयरफुली देखना है कि शायद सीन टू और थ्री का एक सीन बन सकता है. मैंने आपसे कहा था कि अगर पहला सीन सॉफ्टवेयर हाउस में है तो फिर दूसरे की शायद जरूरत नहीं रहती, और फिर एक सीन से दूसरे सीन तक चेंज भी होती है. अब वो कह रहे हैं कि गाड़ी के सामने बुजुर्ग औरत आ गई, राइट. तो आप अहद पीछे लिखा है अहद बाइक चला रहा है, और अगले सीन में लिखा है कि इस बाइक के आगे है शायद वो गाड़ी जिसमें एक बुजुर्ग औरत सामने आ गई और ब्रेक लगा दी. तो सीन फोर तो उसने बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि ये अहद और आशिर जो हैं वो ये देख रहे हैं कि आगे वाली गाड़ी के आगे एक बूढ़ी औरत आ गई और बाइक जो है गाड़ी से टकराई और अहद गाड़ी के पिछले शीशे से, जिसका मतलब है कि वो उछल के गाड़ी के शीशे से लगा. ये सीन्स नहीं हैं, ये शॉट्स हैं, यू नो. ये जो सीन थ्री फोर फाइव सिक्स लिखा हुआ है शर्जील ने, ये सीन्स नहीं हैं. हमने पहली एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने एक सीन के बहुत सारे शॉट्स के थ्रू एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया था. आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग पहला स्टोरी बोर्ड करते वक्त हर शॉट पे सीन लिख रहे थे, सीन नंबर लिख रहे थे. एक्चुअली वो सीन नंबर नहीं था, वो शॉट नंबर था, राइट. क्योंकि आपने पहली असाइनमेंट में सिर्फ एक सीन के शॉट्स के जरिए स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया था कि इस सीन का स्टोरी बोर्ड क्या है. राइट नाउ हम उस सीन से आगे चले गए हैं, सीन वाले से अब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं. तो ये अगर सीन थ्री है, अहद बाइक चला रहा है, आशिर पीछे बैठा हुआ है, तो सीन फोर इज पार्ट ऑफ सीन थ्री. तो आपको यहाँ से सीन फोर काटना पड़ेगा क्योंकि आगे वाली गाड़ी के आगे बूढ़ी औरत आ गई, गाड़ी ने ब्रेक लगाई लेकिन बाइक वाला ब्रेक नहीं लगा सका. ये तमाम एक ही सीन के शॉट्स हैं, तो बेसिकली सीन फोर फाइव सिक्स नहीं लिखा जाएगा. और जब बाइक टकराई है तो जो बाइक को ड्राइव कर रहा है अहद, वो जाहिर अपनी बाइक से उछल के पिछले शीशे पे लगा. दिस इज ऑल वन सीन. अहद का सर, फिर वो वहां से शीशे से नीचे जमीन पे गिरा,
तो एक्शन डेवलप हो रहा है ना, और जमीन पे गिरा तो वो गालबन शीशे के बाद अगला शॉट जो है वो जमीन से टकराने का होगा। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि 4, 5, 6, 7 जो है वो सीन्स नहीं है, बट दे आर शॉर्ट्स ऑफ सीन 3। अहद बेहोश हो गया, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ सीन 3। और उसके बाद अगला भी सीन 9 इज ऑल्सो अ शॉर्ट ऑफ सीन 3, ठीक है, जिसमें उसने लिखा कि आशिर ने अहद को उठाया, उसकी नाक और मुंह से खून जारी हो गया, अहद को खून की 3 उल्टियां आई। तो ये एक ही सीन में, एक ही सीन है, बहुत लंबा सीन है, और आशिर बिलाल और हसन को फोन करके बता रहा है। तो ये सीन 11 तक, सीन 12 जहाँ पे एम्बुलेंस कॉल कर रहे हैं और उसके बाद एम्बुलेंस जा रही है सीन 13 तक। तो ये जो 10 शॉट्स हैं उनको शर्जील ने सीन लिखा हुआ है, ये सीन नहीं है, ये शॉर्ट्स हैं। आई नो कि मैंने आप लोगों को पहली असाइनमेंट में उनको सीन लिखने से नहीं मना किया था, दे वर एक्चुअली शॉर्ट्स। राइट नाउ ये 3 to 13 आप जो हैं 10, बल्कि 11 11 शॉर्ट्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ सीन 3। आपको बात समझ में आ गई है कि ये एक ही सीन है जिसके उसने 10 शॉट्स सजेस्ट किए हैं। इट इज वेरी नाइस टू सी के शर्जील कैन सी कि मैंने इस सीन में कौन से 10 या 11 शॉट्स लेने हैं, राइट? बट ऑल दोज शॉट्स आर पार्ट ऑफ सीन 3। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, इज इट क्लियर कि मैंने क्या बताया? तो ये जो 10 शॉट्स हैं, इन 10 शॉट्स के अगेंस्ट 10 फ्रेम्स आप स्टोरी बोर्ड के लिए बना सकते हैं। मतलब शर्जील कैन एक्चुअली डेवलप 10 फ्रेम्स फॉर द स्टोरी बोर्ड बेस्ड ऑन दीज 10 शॉट्स। आप भी बताइए। आई हैव अ क्वेश्चन मैम। आपने जो पहले अपनी स्टोरी कौन सी मैम आपने मेंशन की, उसमें सीन लिखा हुआ, फिर किरदारों के नाम लिखे हुए, फिर उन्होंने बताया हुआ कि ये मतलब ये होने जा रहा है यहाँ पर। जो अगर हम लिखेंगे जैसे आप बता रही हैं, ये सीन है, सुन सीन ले सुन ले सीन में सुन ले शॉर्ट्स हम नीचे मेंशन करेंगे कि शॉर्ट्स हैं वो भी लिखेंगे कि शॉर्ट आ रहे हैं, या हाँ, सिर्फ सीन में ही आप हमें देखिए, लिखा रहा है? आप देखिएगा, आप उसको सीन 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 ना लिखिएगा ना, उसके साथ सीन नहीं लिखिएगा उसको, आप बेशक 1, 2, 3 कर दें। यू आर शोइंग डेवलपिंग एक्शन विद इन दिस सीन, तो आप उसको शॉर्ट को नंबर करते हैं ताकि आपके डायरेक्टर को पता, आपके कैमरामैन को पता हो कि मुझे ये 10 शॉट्स लेने हैं, राइट? आपकी आपकी पूरी ओके टीम को पता हो, आपके डायरेक्टर को भी पता हो कि ये 10 शॉट्स चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर सीन, ठीक है? आप उसको 1, 2, 3 करके 1, 2, 3 कर दें, लेकिन उसको सीन नंबर ना लिखें। तो बस मैं आपको ये बताई थी। आप ये जो मैं आपको प्रीवियस स्टूडेंट का स्क्रिप्ट दिखा रही थी वो मैं आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए दिखा रही थी कि जब आपका स्क्रिप्ट जब डेवलप होता है तो उसमें, या इवन जो आपका एक्शन स्टोरी बोर्ड में आ रहा है, स्टोरी बोर्ड बताता है, आपके स्टोरी बोर्ड को देखते ही पता चल जाता है कि ये रात का वक्त है क्योंकि आपका फ्रेम में डार्कनेस अंधेरा नजर आ रहा होगा, राइट? या आप एटलीस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मेंशन कर देंगे कि आपको, आपके लिए मैंने कुछ, बल्कि एक एक स्टूडेंट का वो भी खोला हुआ यहाँ पे, उसकी वर्ड फाइल मैंने खोली हुई थी, लेट मी सी दैट वर्ड फाइल। ये मुनीर, मुनीर इज ही प्रेजेंट राइट नाउ? मुनीर, मुनीर आप मौजूद हैं? ऑल राइट, आई थिंक ही इज नॉट देयर राइट नाउ, बट आई विल शो यू समथिंग। कि ये आपको सबसे पहले तो आपसे मेरा ख्याल है तकरीबन काफी सारी क्लासों में मैंने आपसे बात की है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क। अब आप देखें कि ये मुनीब मुनीर की जो असाइनमेंट है ये स्टार्ट हो रही है, मुझे अभी तक इसके स्टार्ट में पता नहीं चल रहा कि ये मुनीब मुनीर का काम है,
राइट सबसे पहले मैंने पढ़ा स्टोरी बोर्डिंग, उसके बाद मैंने पढ़ा उस सॉन्ग का नाम जिससे उसने ये स्टोरी बोर्ड डिवेलप किया, फिर उसने पढ़ा लिखा मेरा नाम या आर्टिस्ट जो उसमें परफॉर्म कर रहा है, पांचवी लाइन में जाके उसने अपना नाम लिखा मुनीब मुनीर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो आई वुड से कि आप अपने काम पर सबसे पहले और बल्कि तारीफ की असाइनमेंट तो मैंने आपके सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको खोल के दिखाई थी और आपको सजेस्ट किया था कि आप इस तरीके से लिखा करें अपना अपने नाम वगैरह, राइट। मैं आई कैन अगेन ट्राई शोइंग यू समथिंग जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आप अपने काम को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। लेट मी फाइंड समथिंग फॉर यू। तो काम सबसे पहले अपना नाम डालें और फिर अपना नाम डालने के बाद आप किसी और का नाम डालें उसमें, और साथ में कोर्स का नाम डाल दें, अपना नाम डालें, टीचर का नाम लिखें, कोर्स का नाम लिखें और उसके बाद डेट लिख दें कि किस डेट को आप काम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं ढूंढ रही थी कि कोई आपसे शेयर कर लूं सैंपल, लेट मी मैम मेरी असाइनमेंट शेयर कर लें। आपने अपने आपने आपने उसी फॉर्मेट में जमा कराई है जो आपको बताया था मैंने? जी जी नहीं, मैंने पीडीएफ में सेंड की थी। दोबारा बोलें पूरा नाम क्या है आपका? हुसैन समथिंग, साबिर हुसैन मेरा नाम है लेकिन ईमेल पे होगा मिर्जा खान शायद। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वो वर्ड के फॉर्मेट में है। नहीं, फॉर्मेट का फॉर्मेट मैं वर्ड की बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपकी असाइनमेंट देखते हुए मुझे ये कंफ्यूजन ना हो कि जी मैं किसका, क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में खास तौर पे बताया था कि आपका नाम सबसे पहले दिखाई दे। खैर, मैं अभी आपसे ये जो मैंने आपसे असाइनमेंट खोली हुई है मुनीब मुनीर की, इसी पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं आई वुड लाइक टू रीड मुनीब मुनीर नेम फर्स्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इसने जो फॉन्ट साइज इस्तेमाल किया हुआ है वर्ड फाइल में, लेट्स सी कि ये इसने कौन सा फॉन्ट साइज इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आप लोग वर्ड फाइल्स में राइटिंग के लिए प्लीज फॉन्ट साइज 12 यूज करें। ये आप देखिए कि इसने फॉन्ट साइज 23 इस्तेमाल किया। आपको मैं सिर्फ ये मुनीब के कुछ पेजेस दिखा दूं बिकॉज मैं फाइनल में आपके स्टोरी बोर्डिंग के लिए, फिर उसने ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी इसको भी फॉन्ट साइज 18 में उसने लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज किया हुआ है। ये पूरी असाइनमेंट में उसने इसी तरह से डाला हुआ है, तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस की, ये आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पे सीन उसने लिखा हुआ था, सीन डिस्क्रिप्शन देखिए आप, उसने सीन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है सीन वन, इसको आप शॉर्ट वन लिखते हैं। और दूसरा मैंने सजेस्ट किया था कि इमेज के नीचे लिखते हैं, यानी यहाँ पे लिखते हैं। बहरहाल अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अब इसने सीन वन को हटा के मैंने SC1 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो आप ये देख रही हैं कि इसने यहाँ लिखा था स्नोई ब्यूटिफुल एरिया मास्टर शॉट एक्सटीरियर ऑफ स्नोई माउंटेन्स पैन मूवमेंट लेफ्ट टू राइट एम्बियंट साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन। देखिए जितनी जरूरी जरूरी चीजें थी उसने वो सब लिखी हुई है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही कि इसेंशियल आइटम्स नहीं लिखे हुए, उसने सब इसेंशियल आइटम्स लिखे हुए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको फॉन्ट साइज 12 में लिखें ताकि ये बहुत ज्यादा जगह ना ले, और दूसरी चीज इसको कंसाइज लिखें। तो मास्टर शॉट आप सबसे पहले लिख सकते हैं, ये देखें ये मैंने इसका चेंज कर दिया यहाँ पे। एक तो सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज 12 में लेके गई, उसके बाद मैंने मास्टर शॉट को पहले ले आई और फिर मास्टर शॉट मैंने आफ्टर टेलिंग के व्हाट टाइप ऑफ शॉट इट इज, एक्सटीरियर अगर नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो इट वुड बी फाइन क्योंकि बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि हम माउंटेन पे हैं तो ये एक्सटीरियर ही है। स्क्रीन प्ले में आपको ये लिखने की जरूरत होती है लेकिन स्टोरी बोर्ड तो आपका यहाँ पे खुद भी बता रहा है, तो आप लिख सकते हैं मास्टर शॉट ऑफ स्नोई
ब्यूटीफुल एरिया, ब्यूटीफुल माउंटेन. आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से एरिया एंड एक्सटीरियर स्नोरी माउंटेन्स एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हुए थे, दो दफा लिखा हुआ था स्नोरी स्नोई माउंटेन. ये यहाँ पे आप देखें स्नोई एरिया एंड स्नोई माउंटेन. तो मैंने इसको लिख दिया मास्टर शॉट ऑफ स्नोई माउंटेन एंड पैन मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट, उसके बाद मैंने आपसे हर दफा कहा है कि सीन की डिस्क्रिप्शन के बाद साउंड को नीचे लिखें. तो साउंड को क्योंकि उसने एक ही जगह सब कुछ लिखा हुआ था तो ये मैंने उसकी साउंड को नीचे नीचे मूव कर दिया. आप ये देख रही हैं कि जो उसने बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक डाली हुई थी, आई सेड उसकी डिस्क्रिप्शन में वो तमाम चीजें मौजूद थी जो चाहिए थी, लेकिन फॉन्ट साइज बहुत बड़ा था और एक्स्ट्रा वर्ड्स थे, वो मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स भी रिमूव कर दिए. और उसके बाद मैंने सजेस्ट किया कि जो सबसे पहले जो कैमरे की मूवमेंट है वो मेंशन कर दी उसने, ठीक है, कि कैमरे की मूवमेंट में उसने ये आपका दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैमरे के जो एडिट हुआ है एडिटिंग में ये चेंज आई है, ठीक है, कि सबसे पहले लिखा कि कैमरा क्या दिखाएगा, कैमरा मूवमेंट सबसे पहले लिखी, उसके बाद एक्शन लिखा मास्टर शॉट ऑफ स्नोई ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड पैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये पूरी की पूरी उसकी जो है वो कैमरा मूवमेंट के बारे में लिखा है. आपका जो स्टोरी बोर्ड है वो टाइप ऑफ फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है मास्टर शॉट, फिर उसके आगे एक्शन और उसके नीचे साउंड के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है. इसी तरह जब हम उसके यहाँ से आप उसके नेक्स्ट सीन पे जाते हैं तो फिर उसने उसी तरह सीन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था. एक आदमी आपको ट्रेन में बैठा नजर आ रहा है और उसके हाथ में किसी की तस्वीर है, राइट. यहाँ पे शर्जील ने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो ये है सीन डिस्क्रिप्शन. फिर उसने लिखा एड शीरेन सिटिंग इन द वॉचिंग समथिंग. वो क्लियरली लिख सकता था कि यानी फॉर इंस्टेंस लॉन्ग शॉट ऑफ एलएस. मैंने आपसे कहा सीन डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर लें तो आप सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग शॉट ऑफ एड शीरेन सिटिंग इन द ट्रेन वॉचिंग समथिंग के बजाय लिखेंगे लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, क्योंकि वो आगे जाके अगली कोई शॉट दिखा रहा है जो जिसमें वो नजर भी आ रहा है कि उसके हाथ में किसी की तस्वीर है. तो आप कैमरा मूवमेंट को मिडल में लिखने के बजाय और कैरेक्टर को पहले लिखने के बजाय जो ये इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि स्टोरी बोर्ड से को आप लेके जाएं और फिर इस बेसिस पे अपनी शूटिंग करें. तो सबसे पहले जो कैमरा मूवमेंट है आप ये लिख दें कि लॉन्ग शॉट ऑफ एड शीरन सिटिंग इन द ट्रेन लुकिंग एट अ फोटोग्राफ. तो जब हम ये करेंगे तो मैंने आपसे पहले कहा था यहाँ इसको शॉर्ट टू कर दें, SC3 है ये, ठीक है. तो आपने उसको और फिर ये देखिए मैंने इस पे से ये मूविंग ट्रेन का यहाँ से मूविंग ट्रेन आप लिख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है चलती ट्रेन में. मूविंग ट्रेन नहीं भी लिखेंगे तो आपकी ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि ही इज सिटिंग वॉचिंग एट शीरी सिटिंग इन द ट्रेन वॉचिंग समथिंग एम्बियंट साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन. तो वो मूविंग ट्रेन तो अगली लाइन में चला गया, मैंने साउंड के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो नीचे मूव कर दी. फॉन्ट साइज 12 इस्तेमाल करने की वजह से आपका ये थोड़ा सा और नीट भी हो गया, आपके जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं वो कोई गैर जरूरी जगह नहीं ले रहे. और सबसे ज्यादा चीज जो है कि स्टोरी बोर्ड है तो आपकी इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यू आर गिविंग मोर स्पेस टू योर इमेज, ठीक है. उसके बाद अब ये आपको इसका एक थर्ड सीन नजर आ एक और सीन नजर आ रहा है जिसमें उसने फिर वही किया कि ही इज सेइंग सीन डिस्क्रिप्शन. अगर आप सीन डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखेंगे तब भी मुझे पता है कि यू आर डिस्क्राइबिंग सीन. अगेन इसको आपने सीन का को या एस शॉर्ट टू कर दिया, एस टू कर दिया और आपने देखा कि मैंने सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज 18 से चेंज करके 12 किया और फिर दोबारा मैं जो कैमरा वाला है उसमें स्टार्ट किया स्नोई ब्यूटीफुल एरिया एंड मास्टर शॉट. मैं सबसे पहले फिर मास्टर शॉट लिखूंगी. ये देखें मास्टर शॉट के बजाय मास्टर शॉट तो वो पहले दे चुका जो के कैरेक्टर था इनसाइड. अब मैं उसमें इसने जो चीज यहाँ नहीं लिखी वो ये थी कि ये क्या वो ट्रेन की विंडो से देख रहा है. तो आपका कैरेक्टर अगर ट्रेन की विंडो से बाहर देख रहा है तो उसने सिर्फ ये लिखना है कि लॉन्ग शॉट ऑफ द स्नोई ब्यूटिफुल
लॉन्ग शॉट, यानी आपने कैमरा क्या दिखा रहा है, सबसे पहले कैमरे वाले वर्ड्स का जिक्र किया, और उसके बाद आप देखें ये मैंने सारा रिमूव कर दिया जो उसने मास्टर शॉट बीच में डाला था, क्योंकि लॉन्ग शॉट पहले डाल दिया और फिर लिख दिया लॉन्ग शॉट ऑफ द ब्यूटिफुल माउंटेन्स। और स्टैटिक कैमरा लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका काम उसके बगैर भी हो रहा है। तो ये स्टैटिक कैमरा रिमूव किया और उसके नीचे आ गया लॉन्ग शॉट ऑफ स्नोई ब्यूटिफुल माउंटेन के बाद नीचे लिख दिया फ्रॉम द ट्रेन विंडो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन हो गई। और उसके बाद लिख दिया एम्बियंट साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन, तो वो साउंड की नीचे जो इंफॉर्मेशन है वो आप हो सकता है उसका ट्रेन विसल कर रही हो, राइट, तो वो जो भी कर रही है, तो आई वुड से कि जो आपका फाइनल एग्जाम है उसमें आपने एक तो जहां पे कैरेक्टर्स का नाम, इसमें मुनीब ने कैरेक्टर का नाम इस्तेमाल किया हुआ था, नाइस पार्ट वॉज कि उसने यहाँ पे लिखा एट शीरी, उसने ये नहीं लिखा कि अ मैन लुकिंग एट समथिंग, एट शीरी इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, ठीक है, और ट्रेन के आप ट्रेन केबिन सीन डिस्क्रिप्शन के बजाय ये आपको क्लोज शॉट ऑफ फोटोग्राफ नजर भी आ गया, मली हुई गंदी सी तस्वीर है, उसमें क्रैक्स नजर आ रहे हैं पिक्चर के अंदर, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि क्लोज शॉट, देखें क्लोजअप शॉट उसने बाद में लिखा है, आप स्टार्ट ही एस फोर लिख के क्लोज शॉट के बजाय आप सी एस लिख सकते हैं, क्लोज शॉट में बात क्लियर हो जाएगी, या क्लोजअप भी लिख सकते हैं, सी यू लिख दिया क्लोजअप या सी एस लिख दिया, और सी एस ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है, और आप उसमें एड शीरी का नाम ना भी लिखें तो इसके बिल्कुल पिछले फ्रेम में उसका नाम मौजूद था। और ये मैं आपसे यही कह रही थी कि सबसे मुनीब का अपना नाम पहले लिखना चाहिए, अगर आप कहते हैं तो एज आई सेड कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को उसको फॉन्ट साइज बदलने की जरूरत है, और ये लेफ्ट अलाइन करें, ये देखें ये मैंने आपके लिए लेफ्ट अलाइन कर दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट में आपको काफी सारी नीटनेस मिल जाएगी। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनल एग्जाम की प्रेजेंटेशन पे लैंग्वेज के आप कंसाइज लिख रहे हैं, सिर्फ वो चीज जो बहुत जरूरी है, और जितने फालतू वर्ड्स हैं उनको उनको जस्ट गेट रिड ऑफ देम। जो फालतू वर्ड्स का मतलब ये है, फॉर इंस्टेंस कि जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे शर्जील की, तो यहाँ ऊपर हमें स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स नजर आ रहे थे जिनको हम कह सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड तो एक्चुअली नहीं बता सकता कि ये जुड़वा भाई हैं वो नीचे, अनलेस यू आर सेइंग समथिंग, जबकि आपने स्टोरी में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जुड़वा भाई है, स्टोरी में आपने लिखा जिंदगी के अक्सर काम इकट्ठा करते थे, आपको यू हैव टू थिंक विजुअली, यहाँ पे इकट्ठा कौन सा काम करते थे पता नहीं चल रहा, राइट, तो आपने काम जैसे मैंने कहा वो बाग में इकट्ठा काम कर रहे हैं, इकट्ठा बैठ के पढ़ रहे हैं, इकट्ठा बैठ के फिल्म देख रहे हैं, इकट्ठा बैठ के कैरम खेल रहे हैं, वो आपको विजुअली सोचना है कि इकट्ठा कौन सा काम कर रहे थे, और उसी शॉट को आपने अपने स्टोरी बोर्ड में डाल दिया। जी कुछ कहना चाह रहे थे एनीबडी? निम्रा आपने कुछ कहना था? ये सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे अब ये जैसे ये लिखा हुआ है पुरजोश थे, ठीक है, तो आपने पुरजोश उसको लिखा है, सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी मिल गई, तो आप दिखाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर हाउस में साइड बाय साइड शायद टेबल्स पे बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, शायद वो कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या वो कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कोई चीज एनिमेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको डिटेल में सोचनी पड़ेगी कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या वो एनिमेटर है, फिल्म मेकर है, राइट, तो ये अब बेसिकली अच्छी बात ये थी कि ये स्टोरी में काफी सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो
फाइन, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग स्टोरी की जबान में सोच सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ अ स्टोरी एंड यू कैन राइट अ स्टोरी. अब आपके पास ये दोबारा वापस आ गया. कोई क्वेश्चन है आपका मिड टर्म के बारे में तो प्लीज आस्क मी नाउ, क्योंकि फिर आपने से एक दो लोगों ने कहा कि मैं उनकी असाइनमेंट वगैरह या एग्जाम खोल के डिस्कस कर लूँ, तो मैं उसको खोल के आपसे डिस्कस कर लेती हूँ. ठीक है, आपसे लिख आपको आपको फ्रीडम है. यू राइट एंड यूज योर ओन स्टोरी और यू अडेप्ट अ स्टोरी फॉर योर फाइनल एग्जाम. उसके बाद इट सेज के आई सेड के देखें, सबसे आसान ये होगा कि जो स्टोरीज आपने लिखी आप ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर लिख चुके, तो आई वुड से कि आपने जो स्ट्रक्चर डिवेलप कर लिया उसी के ऊपर आप स्टोरी बोर्डिंग स्टार्ट कर दें एंड कंप्लीट इट विद इन नेक्स्ट 3-4 weeks. ठीक है, इनफैक्ट 3 में से एक तो आज भी निकल जाएगा, विच मीन्स के इन द रेस्ट ऑफ अप्रैल, और मे 5 आपको सबमिट करना है तो उसको कर लें. इट सेज के सिलेक्टेड फ्रेम्स या शॉर्ट्स जो हैं दे शुड टेल अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ अ फिल्म, ऑफ अ सीन नहीं कहा, ऑफ अ फिल्म कहा है, राइट? तो सीन का स्टोरी बोर्ड ना बनाइएगा विद डिफरेंट शॉर्ट्स, रादर मेक अ स्टोरी बोर्ड ऑफ अ कंप्लीट फिल्म. और शॉर्ट्स जो हैं उनको डेवलपिंग एक्शन दिखाना है. शॉर्ट्स में वैरायटी होना चाहिए, कोई क्लोजअप है, कोई लॉन्ग शॉट है, कोई मिड शॉट है. ठीक है, कहीं पे अगर दिल चाहे तो फोकस पुल भी सजेस्ट कर दें. और उसके बाद ये कहा है कि आपने स्पेस को लोडेड नहीं करना ताकि आपका मेन कैरेक्टर आसानी से नजर आ जाए आपके फ्रेम के अंदर. ठीक है, और जब उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन, मैंने आपसे अभी कहा कि आपको अब अपनी डिस्क्रिप्शंस की एडिटिंग पे थोड़ा सा काम करना है कि आप कंसाइज और नेसेसरी चीजें लिख रहे हैं जो कि डेफिनेटली उस सीन में नजर आ रही हैं, एंड यू विल यूज नेम ऑफ कैरेक्टर्स. अब ये ज़ैनब अर्शी इस वक्त मौजूद है क्लास में? इज शी देयर? राइट, देखें उसमें इट्स नाइस कि वो लिख रही है शॉर्ट 1 शॉर्ट 2, उसके नीचे लिखा जो लिखा है इन दिस डेलाइट एस्टेब्लिशिंग एरियल शॉर्ट. तो आपको ये वाले जो वर्ड्स हैं इन दिस डेलाइट, तो ये आप देखें वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिख रही है, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल जो कि आप स्टोरी में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन शुड यू ऑल्सो यूज इट इन योर स्टोरी बोर्ड. अपने स्टोरी बोर्ड स्टोरी में जो वर्ड्स हैं वो आपको स्टोरी बोर्ड में चाहिए ही नहीं, उसमें से काफी सारे. आप स्टार्ट, अभी मैंने कहा कि आप टाइप ऑफ शॉट से स्टार्ट करें, तो शी कैन स्टार्ट फ्रॉम एरियल शॉट ऑफ अ कार. आप ये देखें ना, एरियल शॉट ऑफ अ कार जो कि इस पहाड़ों में, पहाड़ों पहाड़ी इलाके में जंगल से गुजर रहा है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ये उसने लिखा हाईवे सराउंडेड बाय द जंगल. तो आप वो सिंपली एरियल शॉट ऑफ द ऑफ अ कार, ये वाला पार्ट जो है ये सफिशिएंट होगा. और डेलाइट उसने लिख दिया, फाइन, आई विल नॉट से कि इसको चेंज करो, बट आई वुड फॉर फ्यूचर आई वुड सजेस्ट कि डेलाइट, ठीक है, डेलाइट को मेंशन करना ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्यूचर की असाइनमेंट को आप एरियल शॉट ऑफ अ कार ऑन द हाईवे सराउंडेड बाय जंगल इन डेलाइट अगर आप कर देंगे तो आप शॉट को सबसे पहले कर दिया. सडनली द कार मीट्स एन एक्सीडेंट, फाइन. ये जो डिस्क्रिप्शन अर्शी ने लिखी है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तरह भी ठीक है. उसके बाद उसने लिखा है एक्सट्रीम क्लोजअप ग्राउंड लेवल पैन शॉट ऑफ द गर्ल ऑन द ग्राउंड ऑफ द गर्ल. ये वो जगह है जहां पे आई वुड आस्क हर कि उसे कैरेक्टर का नाम पता होना चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल अगर लड़की का नाम निशा है तो शी वुड राइट हियर एक्सट्रीम क्लोज शॉट ऑफ निशा ऑन द ग्राउंड, जिसको आप वो कह रहे हैं कि निशा इज वुंडेड और पैन में यू आर शोइंग हर बॉडी और शी इज ट्राइंग टू गेट अप, राइट? इसमें हमें उसने
जो ऐड नहीं किया जैनब ने वो साउंड की डिटेल्स हैं, राइट। यहाँ पे पहले वाले में उसने कहा कार साउंड, बर्ड चर्पिंग, क्रैश, तो उसको उसने उसी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ऑल राइट, मैं आई वुड से कि चलो आई वुड हैव सेड कि इसको कम से कम यहाँ पे अगर सेंटेंस ब्रेक ही कर देते तो साउंड और डिस्क्रिप्शन यानी विजुअल और ऑडियो पार्ट्स अलग हो जाते। और यहाँ पे भी साइंग उसने लिखा हुआ है, सो इट्स वेरी क्लियर कि उसने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ऑडियो वर्जन को इनकॉर्पोरेट कर लिया। फॉर फ्यूचर मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर रही हूँ कि कैरेक्टर्स के नाम अपने स्टोरी बोर्ड में शामिल कर लें बजाय गर्ल लिखने के। ऑल राइट, क्योंकि स्टोरी बोर्ड जो है वो काफी एडवांस स्टेज होता है इन फिल्म मेकिंग। एडवांस्ड इस पॉइंट वजह से कह रही हूँ कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही बनेगा स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट से पहले तो बनेगा ही नहीं। और बाय द टाइम आप लोग स्टोरी बोर्ड बना रहे होंगे आपको हर चीज पता होगी, आपको पता होगा कि कैरेक्टर कौन है, आपको पता होगा कैरेक्टर का नाम क्या है, उसकी जितनी रिलेशनशिप्स हैं उन तमाम रिलेशनशिप्स का मिजाज भी आपको पता होगा और उन तमाम कैरेक्टर्स के नाम भी पता होंगे, राइट। So basically, I'm suggesting to use names of characters in your storyboard. I think she has done a good job. काफी सारे जो हैं उसका मुझे अच्छा लगा उसका midterm. Images को उसने इस्तेमाल किया जो है. So again, कि these are shots of one scene. These are not shots of shots from multiple scenes of a story or a complete film. Okay, so very nicely done job altogether. बस आपने ख्याल ये रखना है कि final storyboard में आप नाम वगैरह इस्तेमाल करें। और यहाँ पे F अगर आप देख रहे होंगे 1F, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो storyboard में information देनी है वो इस order में देनी है। सबसे पहले description of scene please, इसमें मैंने आपसे कहा है कि सीन डिस्क्रिप्शन को आप टाइप ऑफ शॉट से स्टार्ट करिएगा, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोज अप, एक्सट्रीम क्लोज अप ऑफ अ गर्ल या एक्सट्रीम क्लोज अप ऑफ अहद व्हेन ही सीज के जब बाइक ने बूढ़ी औरत को जब वो अपनी बाइक से देख रहा है कि बूढ़ी औरत जो है वो गाड़ी के आगे आ गई। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप रिएक्शन शॉट दिखाएंगे, क्योंकि अहद तो देख रहा है कि बूढ़ी औरत अगली गाड़ी के आगे आ गई, तो वो शायद थोड़ा सा वाइड शॉट था या लॉन्ग शॉट था। अहद का आप क्लोजअप दिखाएंगे कि उसके चेहरे पे उस वक्त क्या तासुरात हैं जब बूढ़ी औरत उसकी बाइक के सामने आ गई, तो इसका मतलब है कि आप रिएक्शन शॉट भी ऐड करेंगे ना। स्टोरी बोर्ड में दोनों कैरेक्टर्स जो बात कर रहे हैं या एक कैरेक्टर जो एक्सीडेंट देख रहा है, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी से टकराया और उससे पहले उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन थे, या वो अपनी बाइक से उछल के भी आ रहा था रियर स्क्रीन से टकराने के लिए, और फिर आप उन सारों के जितने भी क्लोज शॉट्स प्रिज्यूम कर रहे हैं, सो जस्ट ट्राई एडिंग, कोशिश करिएगा कि आपके फाइनल स्टोरी बोर्ड में अगर आप 20 फ्रेम्स जरूर सजेस्ट करें, राइट। It can be more than 20, but struggle for 20 ताकि आप उनको अपने सेल फोन पे या अपनी ड्राइंग के थ्रू या मैंने आपको जो सिंप्लीफाइड ड्राइंग्स बताई थी किसी भी मेथड से आप उसको इंक्लूड कर सकें। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप में से कौन कह रहा था कि जी मैं उसकी असाइनमेंट खोल लूँ, सो आई कैन ओपन कपल ऑफ असाइनमेंट्स एंड डिस्कस। नाजिम की मैम, मेरी ओपन कर लें सुहेब। अच्छा चले, मैं आप दोनों की कर लेती हूँ। आप अपना स्टोरी और स्ट्रक्चर चाह रहे हैं कि मैं करूँ डिस्कस या कोई और? यस मैम, स्टोरी और स्ट्रक्चर। नाजिम एंड सुहेब, पूरी स्टोरी रोमन में पढ़ने को कह रहे हैं एंड मेनी स्टूडेंट्स डू दैट, तो वो जो है प्रेफरेंस नहीं है मेरा, राइट। I try not to do that.
तो अब ये आपने लिखा कि लड़का लड़की मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, लड़की एक अगेन ये सीन्स नहीं है, ये शॉर्ट्स हैं, लड़की की मॉल में एक आदमी से टक्कर हो जाती है। ओके, अगर ये पहले सीन की लोकेशन उनका घर है कि वो घर से निकल रहे हैं, तो आप सीन वन में यही लिखेंगे कि लड़का लड़की घर से मतलब गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं, बजाय ये लिखने के वो मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे या फिर ये है कि अगर वो ऑलरेडी शॉपिंग मॉल पहुंच चुके हैं और बाहर जी जी पार्किंग मैम, पार्किंग में खड़े हैं, ठीक है। अगर तो ये घर में होगा तो सीन वन होगा, और अगर ये पार्किंग में होगा तो फिर ये सीन का शॉट होगा, राइट? क्योंकि एक सीन में बहुत सारे शॉट्स होते हैं। तो अगर ये घर से निकल रहे हैं तो इन दैट केस दिस इज सीन वन, और फिर अगला सीन जो है वो शायद मॉल के अंदर है कि लड़की की, या ये पहला जो है ये आप कह रहे हैं पहला सीन जो है आप प्रॉबली यू आर ट्राइंग टू से कि ये पार्किंग में है, ठीक है। और सीन टू जो है वो आप कह रहे हैं कि मॉल के इंटीरियर में है कि लड़की की टक्कर होती है। ये जो नेक्स्ट आपने लिखा हुआ है ये सीन नहीं है, ये शॉर्ट, दिस इज पार्ट ऑफ दिस सीन टू। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप इसको टू ए लिख दें ताकि हमें पता चल जाए कि दिस इज अ डिफरेंट शॉट, ठीक है। और इसी तरह वो आदमी कुछ लोगों के साथ रेस्टरूम में, ये है दिस कैन बी अ डिफरेंट सीन, क्योंकि आपने लोकेशन चेंज कर दी, नाउ आप उसकी उस आदमी को, वो आदमी सॉरी करके चला जाता है वगैरह वगैरह, तो ये लड़का जो है ही इज एंग्री, वो उसको रेस्टरूम में फॉलो करता है, राइट? सो बेसिकली यस आपका मैम, ये सीन सीन टू नहीं है बल्कि शॉर्ट टू, नेक्स्ट शॉर्ट है ऑफ द प्रीवियस सीन। थर्ड सीन आपका वो बाथरूम में है। फोर्थ इज ऑल्सो नॉट अ सीन बल्कि वो शॉर्ट है विद इन बाथरूम, ठीक है। और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बाथरूम से निकालते हैं। अच्छा, ये आपका देर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू आर क्लियर कि ये सीन हो कहाँ पे रहा है, तो ये बाथरूम के बाहर का सीन है, राइट? ये बाथरूम के अंदर का सीन था। तो अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि वो आप इसमें लिख देना उसके साथ रेस्टरूम में जाता है, वो रेस्टरूम से कुछ लोगों के साथ मतलब रेस्टरूम में मुख्तलिफ लोग एंटर हो रहे हैं, तो आप रेस्टरूम के अंदर कि वो आदमी जो है वो रेस्टरूम के अंदर एंटर हो रहा है, तो पीछे ये जो लड़का उसके अंदर हो जाता है और वो अकेला है, तो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि वो अकेला है, क्योंकि अगर बाथरूम में ज्यादा लोग भी हैं तो फिर आपको ये थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि बाकी लोग हरेस्ट हैं थोड़ा सा, क्योंकि इफ देर आर विटनेसेस तो फिर वहां पे शायद कोई चीखे मार रहा होगा और घबरा रहा होगा। फिर ये चौथा रेस्टरूम से बाहर का सीन, और उसके बाद लड़का उनमें से एक का पीछा करता है, रेस्टरूम के बाहर उसकी मारपीट कर रहे हैं और वो सीन खत्म हो गया। फिर ये पांचवा वो उसको फॉलो कर रहा है, और राइट सीन सिक्स वो आदमी मॉल से निकलने वाले रास्ते पर हमला करता है। तो ये सीन सिक्स आपका मतलब है कि ये रास्ते में कहीं उसके ऊपर अटैक कर रहा है, सो दैट इज फाइन। आपका सिर्फ वो पहले वाले सीन टू में एक एक्स्ट्रा शॉट था जो कि सीन नजर आ रहा था और सीन नहीं था, लेकिन बाकी वाले जो हैं वो ठीक लग रहे हैं कि आपने सही सोचा कि वो अब रास्ते में दोबारा अटैक कर रहा है, और उसके बाद वो लड़का मॉल में वापस आ गया है। तो सीन सेवन जो है वो शायद लड़की, मीन वाइल आप लड़की को में आप इंटर कटिंग कर सकते हैं कि जब वो बाहर बाथरूम में उसको वहां से किडनैपिंग की कोशिश कर रहा है, या बाथरूम के अलावा क्या कहते हैं कि सड़क पे जब उसको फॉलो कर रहा है, तो आप उसको इंटर कट कर सकते हैं कि लड़की उस वक्त क्या कर रही है। लड़की मॉल में खड़ी है क्योंकि लड़का उसको बताए बगैर चला गया है,
तो आप बीच में यहाँ कहीं कहीं पे आप थ्रू आउट यही कह रहे हैं ना कि आप उसी एक एक्शन को डिवेलप होते दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, राइट। तो मेरी सजेशन ये है कि इस डिवेलपिंग एक्शन में इंटरकटिंग दिखाएं लड़की की परेशानी की, राइट। मिसाल के तौर पे जब वो बाथरूम के बाहर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सीन 6, जिसमें आप कह सकते हैं कि जी लड़की परेशान खड़ी हुई है बिकॉज शी डजंट नो वेयर द बॉय हैज गॉन। आपको समझ में आ गई गर्ल की परेशानी? आप इसको यू हैव टू कट इट कि लड़की जो है मीन वाइल मुख्तलिफ जगहों पे, फिर जब वो रास्ते में उसको फॉलो कर रहा है उस पे भी आप उसमें ऐड करें कि वो जब उसको फॉलो कर रहा है उस वक्त भी वो लड़की मॉल में ही उसका इंतजार कर रही है या परेशान है कि जी लड़का कहाँ चला गया। तो ये जो मुख्तलिफ 3-4-5 सीन्स जो आपने दिखाए, इन 3-4-5 सीन्स को मुख्तलिफ जगहों से लड़की के साथ कट कर लें कि लड़की इज शायद वो मॉल में मुख्तलिफ जगहों पे लड़के को ढूंढ रही है, लड़की शायद वॉशरूम के बाहर खड़ी लड़के को ढूंढ रही है, पार्किंग में लड़के को ढूंढ रही है। सो आपने उसका सीन बहुत छोटा होगा। मैम वो ना असल में शॉपिंग के लिए जाती है एक शॉप में, वो मैं लिखना इसमें लाइन भूल गया हूँ कि वो शॉपिंग के लिए जाती है तो लड़का उन आदमियों के पीछे चला जाता है। हाँ तो वो आपसे मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आपने आपका असल में ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्शन को बहुत अच्छा डिवेलप किया, ठीक है। आप वो लड़के और अटैकर और अटैक के बीच में एक्शन बहुत अच्छा डिवेलप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो चूंकि वो लड़की उसके साथ मॉल गई थी और वो वापस आके लड़की को मॉल से लेके जाएगा, तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे से आप वो सीन शायद 1 मिनट से बहुत कम होगा, हो सकता है 1 मिनट से। देखिए ना वो शॉप से कुछ चीजें उठा रही है तो चीजें उठा के अपनी ट्रॉली में डाल रही है या कपड़े की दुकान थी या ज्वेलरी की दुकान थी, ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी कि कौन सी दुकान में है। तो आप उसको कह देंगे कि सीन 5 जो है वो ये बाथरूम में जब वो उसके पीछे गया तो यहाँ पे सीन 4 डाल दिया कि लड़की ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी पसंद कर रही है, और फौरन ही वहां से आपने विद इन इन लेस देन अ मिनट आप वहां से बाहर आके दोबारा आके लड़का जो है वो बाथरूम के बाहर उसको किडनैप करके ले जा रहा है और फिर वो उसका पीछा कर रहा है और वो जो मारपीट हो रही है तब भी आप वो लड़की के साथ इंटरकटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप छोटे छोटे सीन्स 1 मिनट से कम ड्यूरेशन का एक सीन का यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ही डाल देंगे, ठीक है। ये लड़की को मे बी एक और एक सीन डाल दिया कि एक जगह पे वो शॉप कर रही थी और एक और सीन डाल दिया कि किसी और ने उसको शायद हुट किया या कुछ और किया, डिपेंडिंग कि आप कौन से मुल्क की एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं। तो आप लड़की को फर्दर परेशान भी दिखा सकते हैं। फिर लड़का वापस आता है, आपने कहा कि जी लड़का वापस आ रहा है, तो जब वापस आने के बाद जो एक्शन डिवेलप हो रहा है, लड़का वापस मॉल के अंदर आता है और बाकी दोनों को देखता है और अपने साथ आई लड़की की तरफ भी देखता है। तो बेसिकली ये जो बाकी दोनों हैं वो कौन है, उस दूसरे के साथी हैं या उसके साथी हैं जो मिलके अटैक कर रहे थे? जो अटैक कर रहे थे मैम उसके साथी थे लड़के के। जी जी जो अटैक करते हैं ना, दो अंदर होते हैं एक बाहर चला जाता है। हाँ, वो वापस आता है उन दोनों बंदों को देखता है। यहाँ पे वो आपने ये दोनों आए कहाँ से? इसने उनको फोन करके बुलाया था या उसको वो मॉल ही में मिल गए थे? मॉल में मैम जब वो वेपन्स देते हैं रेस्टरूम से जाके, तो एक बंदा निकलता है, वो बंदा उसके जो मेन करेक्टर है वो लड़का उनके पीछे चला जाता है एक के, बाकी हाँ, वहीं रुक जाते हैं बाथरूम में। अच्छा तो फिर आप वो जो जब वो उससे टकराता है एंड ही इज एंग्री, तो जहाँ पे वो उसको फॉलो करते हुए बाथरूम की तरफ जा रहा है तो आप वहां पे एक सीन थोड़ा सा बाथरूम की तरफ जाते हुए आप छोटी सी कॉन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं ना, डायलॉग कि उसने फोन पकड़ा हुआ है और वो अपने दोस्तों को से फोन पे पूछ रहा है कि तुम कहाँ पे हो, और साथ में मॉल का नाम लेके कहता है कि फॉर इंस्टेंस मेट्रो के पार्किंग में आ जाओ या मेट्रो के टॉयलेट एरिया के करीब आ जाओ, यू नो, या हाइपर स्टार वगैरह। तो आपको थोड़ा सा मॉल का भी थोड़ा सा अगर अंदाजा होगा कि दोस्तों को वहां बुला लेता है। अब अगेन आई वुड से कि यहाँ पे कैरेक्टर्स को आपने लड़का और लड़की लिखा हुआ है, अगर आप इनके नाम लिख लें तो आपकी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि स्टोरी बोर्ड में भी आप लोग नाम वगैरह ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और फिर वो लड़का अपने दोस्तों को अपनी साथ आई हुई लड़की को अगर इम्प्रेशन नहीं देना चाहता
ये दोनों अटैकर्स उसके साथ हैं या क्या हुआ है, तो वो उनको शायद इशारे से जाने को कह देगा और खुद लड़की के पास चला जाएगा। दोनों को गोली मारता है। कौन से दोनों लड़कों को गोली मार रहा है? वो जो अटैकर्स थे? यस मैम। अच्छा, सो बेसिकली आई थिंक कि चूंकि मैंने इस वक्त आपकी यहाँ पीछे से फुल स्टोरी साथ में नहीं देखी, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे मैं चली गई थी जस्ट टू सी, तो ये बस ये आपने फिर जाहिर है उसमें फिर लेट आई हैव टू रीड। आपसे मैं ये कही थी कि मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा कि मैं आपकी स्टोरी को रोमन में पढ़ूँ, राइट? आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि आप वो जो लड़का उससे टकराया है और फिर लड़की और बच्चे को बचा लेता है, तो एक्शन तो इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा नजर आ रहा है, बस आप उसमें थोड़ी सी इंटरकटिंग वगैरह डाल दें, और फिर जब इंटरकटिंग डालेंगे तो आपके पास थोड़े से नंबर ऑफ सीन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ट्राई सीन कि आपको वो जो आप उसका स्टोरी बोर्ड जो है वो पिक्चर्स लेके बनाएंगे या स्केचेस से बनाएंगे, या मैंने कहा सेलफोन से पिक्चर्स ले सकते हैं, यू कैन आस्क पीपल टू परफॉर्म, और उसको वैरायटी में शूट इमेजेस लीजिएगा, कोई क्लोजअप लीजिएगा, कोई लॉन्ग शॉट लीजिएगा, कोई वाइड लीजिएगा, राइट? और ताकि आपको उसको दिखाने में आसानी हो जाए। हाँ, समबडी हैड एडिड क्या कहते हैं, एक गूगल तस्वीरें गूगल करके स्टोरी बोर्ड किसी ने बनाया था जो मैंने उसके एग्जाम में देखा ऑन द स्टोरी एंड स्ट्रक्चर। तो आई थिंक कि दिस इज टाइम कि वो अपने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, राइट? कि अभी उनके पास जो 2-3 हफ्ते का टाइम है तो वो गूगल इमेजेस के बजाय अगर जान पहचान के लोगों से या कुछ लोगों से परफॉर्म करके अगर सेलफोन से तस्वीरें ही ले लें तो दैट वुड बी नाइसर, ठीक है? अच्छा, ये जोहेब का है, इसमें कहा कि जी कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। जी जोहेब, जरा सुनाएंगे कहानी? जी मैम। जी मैम, मैं रीडिंग करूं? जी जी, कहानी सुना दें, रीडिंग कर लें या सुना दें, जैसे मर्जी कर दें। जी जी, इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं, मियाँ और बीवी। शोहर का नाम जोसेफ है और बीवी का नाम जो है वो नॉर्मा है, और एक तीसरा करेक्टर है जो कि पुलिस वाला है, उसका नाम जेबू है। नॉर्मा जो है वो अपने, मैं रीडिंग कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। जी ठीक है। नॉर्मा अपने शोहर पर काफी गुस्सा है क्योंकि वो नॉर्मा से कई दफा झूठ बोल चुका था। नॉर्मा अपनी अंगूठी उतार कर बाथरूम में फेंकती है। मैम ये, हाँ सुनाइए बाकी। मैम एक सेकंड, ये सही नहीं, मैं एक सेकंड इसे दोबारा रीडिंग करता हूँ। इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं, मियाँ और बीवी। शोहर का नाम, मैम ये ठीक नहीं है, इसके अंदर से ये नाम कट हुआ हुआ है। कोई बात नहीं, जोसेफ का नाम, जोसेफ का नाम नहीं लिखा हुआ ना, मैंने आपसे कहा था कि आप कहानी सुना दें, तो आपने कहा कि नॉर्मा अपनी गाड़ी लेकर बिना किसी मकसद के रवाना हो जाती है, तेज गाड़ी चला रही है, रफ्तार 120 मील फी घंटा है, गुस्से में 160 से ऊपर चली जाती है, और उसका जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो नॉर्मा की गाड़ी को जाते हुए देखता है उसको। अच्छा, ये शुभा लिखा हुआ है, शोभा इज डिपार्टमेंट एक्चुअली, शुभा मालूम हुआ, और वो शुभा शक 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 होता है शुभा, हाँ वो शुभा इस तरीके से नहीं लिखते ना, ये जो आपने शोभा लिखा हुआ है इसका मतलब डिपार्टमेंट होता है, तो आई नो कि आप शुभा लिखना चाह रहे थे। और उसने गाड़ी की सुर्ख बत्ती चलाई और सायरन बजाते हुए नॉर्मा की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया, और नॉर्मा जो है वो पुलिस की गाड़ी को देख के रफ्तार बढ़ा देती है, और मौसम खराब है, बारिश हो चुकी है, नॉर्मा की गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई और सड़क पर फिसलन की वजह से उसकी गाड़ी उलट गई, और जितनी देर में पुलिस वाला पहुंचा तो नॉर्मा की डेथ हो चुकी है। अच्छा, अब ये है कि एक्शन तो ठीक ठाक है तो, लेकिन फिलहाल इस वक्त तो ये काफी भी है, राइट?
लेकिन नोर्मा की आपने सिर्फ ये दिखाया कि एक लड़ाई के वजह से एक बीवी का एक्सीडेंट हो गया, राइट। अब उसकी उसकी अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगी। मैं देखिए, मेरा पर्पस आपका की कहानी के कहानी की स्ट्रेंथ्स या वीकनेस पे बात करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो मोस्टली स्टोरी बोर्डिंग है ना, वैरायटी ऑफ शॉट्स के साथ। लेकिन मैं आपको वैसे बताना चाह रही थी कि अगर नोर्मा का स्टोरी बोर्ड हो गया तो ये बगैर किसी यू नो के इसमें ऐसा कोई पीक मौजूद नहीं है। कहानी के अंदर, कहानी के अंदर ना एक पीक होती है जहाँ पे कहानी उस पे पीक पे पहुंच जाती है और उसके बाद वो एंडिंग की तरफ बहुत तेजी से चलती है। शुरू का जो स्टोरी का पार्ट होता है वो लंबा होता है, पीक जो है वो खत्म होने के करीब आखिरी आधे घंटे में आपको मिलेगी। 2.5 घंटे की फिल्म में आपको आखिरी आधे घंटे में, 1.25 घंटे में, यानी मिड के बाद आपको जो एक्शन डेवलप हो रहा होगा उसमें कहीं पीक नजर आएगी। तो बेसिकली अगर नोर्मा की डेथ के बाद उसका शौहर जो है, अगर उसको गिल्ट फील होता है, राइट, तो मैं आपसे इसी वजह से कही थी कि इसमें पीक नहीं है। और वो पीक इस तरह की किस्म की होती हो सकती थी कि नोर्मा के मरने के बाद उसके शौहर को, अगर इफ ही लव्ड हर, तो उसको अब ये गिल्ट होता रहता है कि नोर्मा की डेथ उसकी वजह से हो गई। ठीक है मैम, मैंने ये जी मैंने ना ये शॉर्ट स्टोरी इसलिए बनाई थी इसको ना स्टोरी बोर्ड को देख के, आपने बोला था इसका जो स्टोरी बोर्ड है वो 15 से 20 जो है ना उसके सीन होने चाहिए, मैंने इसलिए आज से मतलब इस चीज को देखते नहीं। आपकी आपकी वो बात बिल्कुल सही है, आपकी कहानी भी ठीक है, फॉर मेकिंग द स्टोरी बोर्ड इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि हर कहानी के अंदर एक सर्टन ट्विस्ट होता है। जी मैम, मैं समझ रहा हूं। तो मैं आपको उस ट्विस्ट के लिए, उस ट्विस्ट की वजह से जिसका ताल्लुक किसी किस्म की पीक से हो सकता है, तो इस वजह से मैं कही थी। देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि पीक तो ये है कि नोर्मा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन अगर इसमें इसमें अगर आप एक दो स्टोरी बोर्ड में अगर आप एक दो फ्रेम्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ फॉर योर फाइनल एग्जाम ये, और मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि देयर इज अ फ्लॉ इन इट, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसके अंदर एक हर कहानी में जो एक 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 खास ट्विस्ट होती है, बस वो ट्विस्ट इसमें, वो ट्विस्ट उसी वक्त ऐड हो जाएगी जब आप कहेंगे कि जी नोर्मा का जो हस्बैंड है, देखें जोसेफ का तो इस कहानी में कोई खास रोल ही नहीं है। आपने कहा कि जी वो अपने हस्बैंड पे गुस्सा है, राइट, क्योंकि उसका हस्बैंड झूठा है। उसके बाद की बाकी की जो पूरी कहानी है आपको हस्बैंड सिवाय पहले सीन के कहीं नजर ही नहीं आ रहा, राइट। तो आपके आप वो जो पुलिस ऑफिसर है वो तो सपोर्टिंग कैरेक्टर है ना, आपकी इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? इसकी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स होंगे वो तो नोर्मा और जोसेफ से पहले सीन के अलावा कहीं मौजूद ही नहीं है। तो उस वजह से मैं आपसे कह रही थी कि अगर जोसेफ गिल्ट का शिकार हो जाता है तो गिल्ट उसके गिल्ट की वजह से आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैंने आपको कहा कि ये जो आपका ये आगे जो आपने स्ट्रक्चर डाला कि नोर्मा कमरे में अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही है, और अगर फॉर इंस्टेंस ये तो फिर आपका सीन टू तो निकल जाएगा क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ इट्स अ शॉर्ट ऑफ सीन वन, ठीक है, शी इज शाउटिंग एट हर हस्बैंड, ये दिस इज पार्ट ऑफ सीन वन। सीन थ्री जिसको आपने लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ सीन वन, बाथरूम में अंगूठी बहा देती है, ये डिफरेंट सीन है। सीन 1, 2, 3 एक ही सीन है क्योंकि वो अपने शौहर को गुस्सा दिखाते हुए अंगूठी फेंक देती है। सीन 3 और 4, सीन 3 और 4 जो है, अगर एक सीन अगर आप इनको करेंगे तो 4 को आप पहले लाएंगे क्योंकि वो बाथरूम में जाएगी और कहानी को सॉरी अंगूठी को उतार के फ्लश कर देगी। आपके जो शुरू के सीन्स मैंने पढ़े उससे मुझे ये लगा कि मैं स्लीपिंग विद द एनिमी देख रही हूँ। आपने सुना वो फिल्म का नाम स्लीपिंग विद द एनिमी? नो मैम। अच्छा, बहुत सुपर सुपर हिट फिल्म थी, हॉलीवुड की फिल्म थी, शायद हो सकता है आपको यूट्यूब पे मिल जाए या नेटफ्लिक्स पे या जैसे भी। तो ये एक बड़ी मशहूर फिल्म थी जिसमें एक औरत जो थी
असल में उसका हस्बैंड जो है वो बहुत नेगेटिव होता है, तो वो समंदर में डूब के मर जाती है ना शिप से गिर के, हस्बैंड और वाइफ की उसमें। तो उसका हस्बैंड ये समझता है कि इसको स्विमिंग नहीं आती, उसको नहीं पता, वो समझता है कि वो समंदर में डूब के मर चुकी है, जबकि वो लड़की की जो है वो बीवी की हस्बैंड से जान छूट जाती है तो वो उसके बाद उसको नहीं बताती कि शी इज अलाइव। तो वो एक दिन उसकी फ्रेंड उसके हस्बैंड वाले घर पे फोन करती है काफी फिल्म के बाद, शी हैज अ लव अफेयर विद समबडी एल्स, शी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो इसके जो हस्बैंड है उसको फोन आता है कि उसकी किसी दोस्त का कि मुझे उससे बात करनी है, तो वो कहता है कि उसकी तो डेथ हो गई। तो वो कहती है उसकी डेथ कैसे हो गई, वो तो स्विमिंग चैंपियन थी। तो उसके हस्बैंड जो है वो फर्स्ट टाइम लर्न करता है कि उसकी बीवी तो स्विमिंग चैंपियन थी। तो फिर उसके बाद वो उसकी माँ को ट्रैक करता है उसकी, क्योंकि उसको ही थिंक्स के माँ से तो वो बहरहाल इन टच होगी। फिर उसकी माँ को मार देता है, फिर वो लड़की को मारने की कोशिश करता है, तो जो तीसरा कैरेक्टर है वो उसको बचाता है। तो शुरू वाले पार्ट को पढ़ के मैं आपकी फिल्म से मुझे यही लगा कि मैं स्लीपिंग विद एनिमी का देख रही हूँ। बहरहाल इट्स डिफरेंट, आप इसमें सिर्फ रिपेंटेंस ऐड कर लें, पहले दोनों जो है वो एक ही सीन के शॉर्ट हैं, और थर्ड एंड फोर्थ जो है अगर आप फोर को थ्री की जगह पे ले आएंगे तो और उसके बाद वो अंगूठी फ्लश करती है, जो कि स्लीपिंग विद द एनिमी में एक्चुअली वो अंगूठी फ्लश करती है, राइट। तो फिर ये थ्री एंड फोर एक सीन बन जाएगा, फाइव एंड सिक्स जो है वो गाड़ी, फाइव जो है वो उसके घर की पार्किंग का होगा, वो गाड़ी में बैठ रही है और निकल रही है। सिक्स जो है वो हाई स्पीडिंग रोड का शॉट होगा, और अंधाधुंध गाड़ी सिक्स एंड सेवन एक ही चल रहा होगा और पुलिस उसको ट्रैक कर रही है, वो प्रॉबेबली सिक्स सेवन एट इज वन सीन, और नाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिक्स सीन सिक्स, ठीक है, और टेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीन सिक्स, और इलेवन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीन सिक्स। तो बेसिकली ये ओवरऑल आपने इस पर शायद सिर्फ तीन चार सीन इस तक लिखे हुए हैं। पहला सीन दोनों मियां बीवी की लाइट की फाइट का है, दूसरा बाथरूम का है, तीसरा घर छोड़ने का है, और चौथा सीन जो है वो सारा हाईवे के हैं जिसमें शी डाइज, ठीक है। तो एक्चुअली ये 12 सीन्स नहीं हैं, 12 शॉर्ट्स हैं ऑफ 4 सीन्स, ठीक है। तो आप इसमें कुछ और शॉर्ट्स जो अगर ऐड कर लेंगे कि इसकी डेथ की वजह से जो हस्बैंड का रिपेंटेंस पार्ट ऐड कर लेंगे, तो वो जो हस्बैंड का जो इस वक्त जो प्रोटैगनिस्ट का रोल कम है ना, तो हस्बैंड वाला वो थोड़ा सा उसमें आप उसको करके आपकी कहानी अच्छी डेवलप हो जाएगी, बस ये कह रही हूँ आपसे। तो अभी स्टोरी बोर्डिंग के लिए तो मैं आपका सिर्फ मेन फोकस मेरा यही होगा कि आपने कितनी वैरायटी सोची, आपने डिस्क्रिप्शंस कैसी लिखी, एंड आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि स्टोरी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप हस्बैंड का सेकंड, जो आपके दो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें सेकंड कैरेक्टर का रोल थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और अगर आप उसके हस्बैंड की रिपेंटेंस नहीं भी डालते तो आप ये भी डाल सकते हैं कि नूरमा गुस्से में जा रही है और उसके हस्बैंड नजर आ जाता है, वो भी उसके पीछे चल पड़ता है, तो और पीछे चल पड़ता है और नूरमा को अपने हस्बैंड की गाड़ी भी नजर आ जाती है और पुलिसमैन की भी नजर आ जाती है, तो वो एक्चुअली अपने हस्बैंड से बचने की कोशिश करने में नीचे गिर के उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो पुलिसमैन और मियां एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं, आप वहां पे भी खत्म कर सकते हैं और जो है यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं कि पुलिसमैन समझता है कि वो नूरमा को हरास कर रहा था तो पुलिसमैन इसको पकड़ के लेके जाता है, राइट। तो ये बेसिकली आपका जो दूसरा कैरेक्टर है उसका थोड़ा सा रोल एनहांस करना पड़ेगा, रोल जो है वो रिपेंटेंस के थ्रू भी एनहांस हो सकता है और पुलिसमैन के अलावा हस्बैंड भी उसका को फॉलो कर रहा है ताकि वो उसको रोक सके, राइट। तो वो हस्बैंड उसके हस्बैंड दोनों की चेजिंग भी हो सकती है, और नूरमा इमोशनली डिस्टर्ब्ड अगर आप उसके कार के अंदर के सीन्स दिखाते रहेंगे ना, कार के अंदर के सीन्स ऐड करते हैं कि वो कार तेजी से भी चलाती जा रही है और रोती भी जा रही है, या शायद वो किसी को कॉल करने या बात करने की कोशिश कर रही है, सो द स्टोरी विल इंप्रूव, द एक्शन विल स्ट्रेंथन, ओके जी मैम। ऑल राइट, आई थिंक ये कुछ जरूरी जरूरी चीजें थी। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इमिजिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फाइनल स्टोरी बोर्ड्स,
जो मैंने आपको स्टोरीज में कहा है कि डेवलपिंग एक्शन में डेवलपिंग एक्शन को कट करें, इंटरकटिंग करें विद विद द अदर कैरेक्टर। जैसे अभी जोहेब की स्टोरी में मैंने कहा कि अगर आप इंटरकट करेंगे विद द स्टोरी ऑफ यू नो इंटरकट करेंगे कि जी हस्बैंड उसको फॉलो कर रहा है, और उसी तरह जब मैंने आपसे ये कहा इसकी क्या कहते हैं नाजिम की स्टोरी में भी आपने इससे मैंने सिंपली यही चीज कही थी कि अगर वो लड़की को लड़की का जो भी नाम है गिव नेम्स टू योर कैरेक्टर्स, लड़के को भी नाम दें और बेसिकली जो है कैरेक्टर्स के नाम इस्तेमाल करें और फिर इंटरकट करें सिचुएशंस को कि अगर कार चेजिंग भी है, दोनों स्टोरीज में कार चेजिंग मौजूद थी या बाथरूम फाइट भी थी, तो उसके दौरान जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, मतलब एक तरफ कैरेक्टर एक शॉप में शॉपिंग कर रहा है या दूसरी में कर रहा है शॉप में शॉपिंग, और दूसरी तरफ बहुत तेज एक्शन डिवेलप कर रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस हैं इसमें दो चीजें डिवेलप हो सकती हैं, एक तो कॉन्ट्रास्ट वहां पे डिवेलप होगा जहाँ पे नाजिम वाला एक्शन था कि लड़का जो है वो गन पॉइंट पे जा रहा लेके जा रहा है या सड़क पे रैश ड्राइविंग कर रहा है या गोली मार रहा है और उस दौरान लड़की क्या कर रही है, तो लड़की जो कि नॉर्मल शॉपिंग कर रही होगी और लड़का जो है वो गन लेके फिर रहा होगा या कार चेजिंग कर रहा होगा, तो वो कॉन्ट्रास्ट में एक्शन डिवेलप हो रहा है, एक नॉर्मल शॉपिंग है और दूसरा कार चेजिंग और गन्स वगैरह है, वहां पे कॉन्ट्रास्ट डिवेलप होगा। ये जो थी दूसरी वाली स्टोरी जोहेब की, इसमें कॉन्ट्रास्ट के बजाय आप चूंकि बहुत ही हाई स्पीड राइजिंग एक्शन है तो आप इसमें कॉन्ट्रास्ट तो नहीं डिवेलप कर रहे होंगे, आप उसमें कुछ सिमिलैरिटी होगी क्योंकि लड़की भी बहुत तेज ड्राइव कर रही होगी, मे बी उसका हस्बैंड जो उसको अगर फॉलो कर रहा होगा तो वो भी तेज ड्राइव कर रहा होगा और पुलिस ऑफिसर भी तेज ड्राइव कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि राइजिंग एक्शन होगा। तो फिल्म्स के लिए राइजिंग एक्शन भी बहुत हेल्पफुल होता है और कॉन्ट्रास्ट भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने सिर्फ उसको देखना है और कोशिश करना है कि कोई भी सीन जो है वो आप एट अ टाइम एक मिनट से ज्यादा ना दिखा रहे हो, मतलब अपनी स्टोरी में भी जो आइंदा आप फ्यूचर सीन्स भी लिख रहे होंगे या स्टोरीज लिख रहे होंगे या जो भी डिवेलप कर रहे होंगे, तो आप किसी भी सीन की ड्यूरेशन कोशिश करें कि एक मिनट से ज्यादा ना लिख रखें, उसी दौरान आप इंटरकट करके दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है। सीन्स कैन बी लॉन्गर, आइंदा जब आप फिल्म देख रहे हों या ड्रामा देख रहे हों तो आप देखिएगा कि काफी सारा जो टेलीविजन कंटेंट है वो शायद एक मिनट से कम सीन पे खत्म हो जाता है या एक मिनट के अंदर वो बीच में इंटरकट करके ये दिखा देते हैं कि दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है और वापस पिछले में चले जाते हैं, तो मेन सीन को भी वो इंटरकट करते रहते हैं दूसरे के साथ, इट इंक्रीजेस इंटरेस्ट। ओके, सो हमने बेसिकली बाहर निकलना है इस बात से कि जो शॉर्ट्स हैं वो सीन्स नहीं होते, शॉर्ट्स एक सीन के अंदर होते हैं और एक कहानी में बहुत सारे सीन्स होते हैं, तो आपने स्टोरी बोर्ड जो है फाइनल स्टोरी बोर्ड बस उन सीन्स के हवाले से बनाना, ठीक है। शॉर्ट्स नहीं लिखने, सिर्फ सीन लिखने। शॉर्ट्स को आप उस आप हमें देखे ना जब आपकी क्लास में कौन सी थी वो लड़की जिसने सबसे पहले हमें स्टोरी बोर्ड दिखाया था स्केचेस करके, माहम? यस मैम, माहम थी। हाँ, तो आपने देखा होगा कि माहम ने दिखाया था 1A 1B 2A 2B, तो वो 2A 2B तो शॉर्ट्स थे ना, एक ही सीन के शॉर्ट्स थे या एक ही शॉट के अंदर ए और बी था कि इस वक्त ये इसका फेस दिखाया और फिर रिएक्शन में इसका शॉट दिखाया। तो बस मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि थिंक अबाउट रिएक्शन, थिंक अबाउट के जो बाकी कैरेक्टर्स थे उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि जुहेब की कहानी में इस वक्त अगर हस्बैंड जो था इफ ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो जब एक्शन डिवेलप हुआ तो उसमें सिर्फ बीवी और पुलिसमैन रह गए थे, राइट? और वो भी वो पुलिसमैन जिसकी चेजिंग की वजह से बीवी की डेथ हो जाती है, कोई नई लव स्टोरी नहीं स्टार्ट होती।
ठीक है ओके ओके, फिर आज का सेशन काफी है और yes, के बाकी जो कुछ लोग रह गए हैं उनकी मैं स्टोरीज के ऊपर आई विल ट्राई कि मैं उनको मैम एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन जी अरफा मैम जो हमने लास्ट आपसे स्टोरी शेयर की थी तो अब हमें फिर एक नई स्टोरी इंट्रोड्यूस करनी है नहीं नहीं अरफा अरफा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नई कहानी लिखें देखें आपने एक कहानी के ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया था और मैंने कहा था कि हम इस स्ट्रक्चर को लेके जाएंगे टुवर्ड्स स्टोरी बोर्ड राइट उस स्ट्रक्चर को मैंने कहा स्टोरी बोर्ड की तरफ लेके जाएंगे तो अभी आज मैंने आपसे ये कहा है कि आपके स्टोरी बोर्ड में कम से कम 20 फ्रेम्स आप डालिएगा आप अपनी सेम स्टोरी पे स्टोरी बोर्ड बना सकती हैं जो आपने मुझे स्टोरी पहले लिखी है आप चाहें तो उसी स्टोरी को फर्दर इम्प्रूव कर लें देखे ना आपके फाइनल एग्जाम में लिखा हुआ है कि आप स्टोरी बोर्ड बना रहे हैं तो आप अपनी सेम स्टोरी को उसको स्टोरी बोर्डिंग के हिसाब से इम्प्रूव कर लें एक्शन के हवाले से इम्प्रूव कर लें मैंने अभी कहा कि आपकी स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनका एक्शन गायब नहीं होना चाहिए ना कि हस्बैंड की वजह से बीवी अगर घर छोड़ गई तो हस्बैंड तो पहले शॉट के बाद वो फारिग है उसका कोई सीन दोबारा नहीं आया तो अगर आप हस्बैंड भी अगर बीवी को फॉलो कर देता है तो डेवलपिंग एक्शन में बीवी दोनों से भाग रही है हस्बैंड से भी भाग रही है पुलिस ऑफिसर से भी भाग रही है और दोनों उसको रोक रहे हैं शी डाइज राइट तो बस मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि वो जो सेम स्टोरी या स्ट्रक्चर जो आप ऑलरेडी डिवेलप कर चुके हैं उसके ऊपर अपना फाइनल स्टोरी बोर्ड बनाएं ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो आपने स्टोरीज डिवेलप की थी उसके ऊपर आप स्टोरी बोर्ड्स बना लें अडेप्टेशन मैंने इसलिए कही क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि आपकी क्लास में कुछ लोगों ने अभी तक मुझे अपनी स्टोरी नहीं दी और स्ट्रक्चर भी नहीं दिया तो आई थॉट कि अगर वो किसी कहानी को अडेप्ट कर लेंगे तो वो जरा काम जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं ना आपने नोटिस किया होगा कि फाइनल एग्जाम पे मैंने मार्क्स आपके लिखे हैं सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग वाले पार्ट पे आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि मार्क्स जो हैं वो मैंने आपके स्टोरी बोर्ड पे लिखे हैं और मैंने उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि आप देखें साथ में अगर मैं आपका स्ट्रक्चर देख रही होंगी तो मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा आप ये देखें ये 40 मार्क्स जो हैं वो बी के सामने लिखे हुए हैं लेकिन आप जो भी मुझे स्टोरी या स्टोरी बोर्ड अडेप्ट करके दे रही होंगी या अपने को दे रही होंगी उसमें मुझे पता तो होगा कि जो डिवेलपिंग एक्शन है उसके थ्रू मैं कैरेक्टर्स के बारे में और स्टोरी के बारे में स्टोरी बोर्ड के थ्रू लर्न कर रही होंगी तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि आप अपनी स्टोरी और स्ट्रक्चर जो है वो आप ऐड करेंगे आप मुझे देंगे साथ में ठीक है और स्टोरी और स्ट्रक्चर आई हैव सजेस्टेड कि यू कैन इम्प्रूव यू कैन अडेप्ट अ स्टोरी यू कैन कंटिन्यू वर्किंग ऑन द स्टोरी दैट यू ऑलरेडी हैव यू कैन डू एनीथिंग ठीक है सो बस आप इसको ये मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी शेयर कर लेती हूँ एंड आई थिंक जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फाइनल एग्जाम और आपको जहां भी सूटेबल लगे वो आप मेरे साथ शेयर कर लें प्लीज ओके आई थिंक फिर खत्म करते हैं आज का सेशन प्लीज जल्दी जल्दी एग्जाम कर लें और अगर किसी ने सबमिशन से पहले मौका मिले तो दिखा दीजिएगा ठीक है ओके मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम ओके अल्लाह हाफिज़ रमजान मुबारक मैम रमजान मुबारक हाफिज़ मैम हाफिज़ ओके